हेलो। हेलो सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया आप कर। स्टार्ट रिस्पेक्टेड चेयरमैन विष्णु अग्रवाल जी, रिस्पेक्टेड रीजनल काउंसिल मेंबर अनिल यादव जी, रिस्पेक्टेड टुडे स्पीकर डायनेमिक स्पीकर पंकज सर जी, पांच चेयरमैन इंदौर ब्रांच। आज अपन सब जो इकट्ठे हुए हैं, जो आप वेबिनार में ज्वाइन किया है, उसका पर्पज ये है कि जो अभी नोटिस आ रहे हैं, जो डोनेशन जिन्होंने दिए हैं जेन्युइनली, उनको भी नोटिस आ रहे हैं, तो उनका कैसे रिप्लाई दिया जाए बेस्ट से बेस्ट, उसके लिए अपन ने आज अपने स्पीकर को बुलाया है, पंकज जी को, जो एक्सपर्ट है, इनकी ओपिनियन लेंगे। उससे पहले, ओपिनियन लेने से पहले मैं विष्णु जी को रिक्वेस्ट करूंगा एक वेलकम नोट दिया जाए प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी बहुत सारे टाइम से बहुत सारे लोगों के पास में पॉलिटिकल पोजीशंस को लेके बहुत सारे इनकम टैक्स विभाग से चिट्ठियां आ रही है। हमारी परसों रात को ही हमारे स्पीकर से बात हो रही थी। सब लोग प्लान कर रहे थे फिजिकल सेशन लिया जाए 15 तारीख के बाद में, बिकॉज अभी सब लोग ऑडिट में बैंकवर्ड से बिजी थे। लेकिन लोगों की इतनी क्वेरीज आ रही थी, मैंने सर को रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने कि सर वापस दोबारा बुला लेंगे आपको एक बार, तो आप वेबिनार के थ्रू हम सब लोगों को एड्रेस करके हमारी समस्याओं का समाधान करें। और इसी में पंकज शाह जी इंदौर से हमारे साथ में, इनकम टैक्स पे इनका बहुत अच्छा क्लस्टर का कमांड है, और इनकम टैक्स एचईओ पार्टनरशिप इन पे सर को हम सुनते हैं। तो हमने सर से रिक्वेस्ट करी स्पेसिफिकली इस पॉइंट को लेके कि पॉलिटिकल डोनेशंस को कैसे हम लोग एड्रेस करें, जो भी नोटिसेस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, क्लाइंट्स में हाहाकार मची हुई है, उसको लेके पंकज सर आज हमारे साथ हैं और हम इनका समय का सदुपयोग करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकुर जी से कि पंकज सर को लगता है कि जो भी क्वेरीज पार्टिसिपेंट किए हैं उनको भी हम लास्ट में लेके उनके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू पंकज सर। ओवर टू यू अंकुर जी। हेलो, थैंक यू विष्णु जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अनिल यादव जी से वर्ड ऑफ विजडम दे और इस पर प्रकाश डालें, जो अभी पॉलिटिकल पार्टी में नए नए केस आए हैं, मार्केट में कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। आप स्टूडेंट के चेयरमैन हो हमारे पूरे रीजन से, तो बेटर समझ सकते हो पूरे रीजन की क्यूरीज है। हम जयपुर में सिमटे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा अपने वर्ड ऑफ विजडम से हमको आगे क्लियर। थैंक यू सो मच अंकुर जी, रेस्पेक्टेड चेयरमैन जयपुर ब्रांच विष्णु जी एंड सेक्रेटरी अंकुर जी। सबसे पहले तो आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो इतना बर्निंग इशू चल रहा था और लोग बाग जहाँ सोच रहे थे क्या करना है, हाउ टू हैंडल, क्या करें क्या ना करें, जो मेंबर इतने परेशान हो रहे थे, आप लोगों ने इतना क्विक डिसीजन लिया कि हमको इस पे वेबिनार करना है। और बहुत जल्दी आप लोगों ने क्या बोला सर, पंकज शाह जी से आप बात करके और पंकज जी से आप रिक्वेस्ट करें, और पंकज जी ने भी हाथों हाथ नो डाउट, पंकज जी थैंक यू सो मच कि आप हमेशा मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। पंकज जी की आज शाम की मीटिंग थी, पंकज जी ने कहा अनिल भाई मुझे जाना है, बट हमने रिक्वेस्ट की, पंकज भाई आप चले जाना, आप साथ में बात चल जाना, थोड़ा लेट चले जाना, कोई इशू नहीं है, बट प्लीज मेंबर्स आपको सुनना चाह रहे हैं। और बहुत ज्यादा हल्की सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ठीक है किसी ने गलत किया, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सही काम किया है, बट फिर भी उनको डिपार्टमेंट द्वारा जो हरासमेंट चल रहा है, जो फेसलेस में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हमने देखा कि अगर कोई किसी ने जिनाइन काम भी किया तो भी वहां तो एक ही लाठी से सबको हाँका जा रहा है, तो वो ऐसा ना हो जो जिनाइन लोग हैं जिन्होंने सही काम किया है उनके ऊपर कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि कोई क्लाइंट के एक गलत एडिशन होता है तो हमारे ऊपर भी गलत जाता है कि मैंने किसी क्लाइंट की रिटर्न भरी है तो कहेगा बोला सर ये क्या हुआ। तो बस पंकज जी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो रिप्लाई अभी देने हैं हमको वो कैसे दे, और आगे फ्यूचर के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसलिए बस हम आपसे वो रिक्वेस्ट करना है वो चीजें कवर हो जाए। थैंक यू सो मच, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अंकुर जी को कहूंगा कि अंकुर जी आगे आपसे स्टार्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अनिल भैया, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा पंकज जी से कि वो अपने मार्गदर्शन करें हमें इस बर्निंग इश्यू पे, जो नोटिस आए हैं उनका कैसे रिप्लाई करें, हम क्या क्या अपनी स्किन बचाते हुए नोटिस में जवाब दें, जिससे क्या मिनिमम से मिनिमम पेनल्टीज या जो एडिशन हो क्लाइंट के हो और सीए की एक रेपुटेशन बची रहे। तो हैंड ओवर द माइक पंकज सर। पंकज सर जी धन्यवाद अंकुर जी। सबसे पहले मैं आभारी हूँ जयपुर ब्रांच का, जिन्होंने मुझे आज इस बर्निंग टॉपिक पे उद्बोधन का अवसर प्रदान किया।
आदरणीय विष्णु जी चेयरमैन ऑफ द ब्रांच, मेरे भाई अनिल यादव जी रीजनल काउंसिल मेंबर, अंकुर गुप्ता जी सेक्रेटरी ऑफ द ब्रांच और सारे प्रोफेशनल बंधु, ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है क्योंकि इस बार जो नोटिसेस आए हैं उनकी संख्या कितनी है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक तरीके से नोटिसेस की सुनामी आ गई है और इसका ज्यादा हो हल्ला इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो नोटिस आए वो सैलरीड क्लास को और छोटे व्यापारी को आए हैं जिसने आज तक इनकम टैक्स का कोई नोटिस देखा नहीं था, इसी वजह से थोड़ा शोर ज्यादा है। और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे ऐसे स्थितीज को जो समस्या फेस करनी पड़ रही है, हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, कैसे हम सही सलाह देके और सही तरीके से उनके केस का हैंडल करके जहां पर टैक्स बच सकता है वहां टैक्स बचे, जहां पर टैक्स मिनिमम हो सकता है मिनिमम एक इम्पैक्ट एसएससी के ऊपर आए उसको असेस करके हम लगाएं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन यहां पर शुरुआत करने जा रहा हूं। सर प्रेजेंटेशन आप सबको विजिबल हो रहा होगा। ये जो इशू है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि कुछ ऐसी डमी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे पहले पेनी स्टॉक का मुद्दा चलता था वैसे ही पेनी पॉलिटिकल पार्टीज का नया मुद्दा आया है। कुछ पेनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने इस तरीके की मोडस ऑपरेंडी करी कि आप उनको चेक से डोनेशन दें और वही पैसा कैश में उन्होंने वापस कर दिया, ऐसा डिपार्टमेंट कह रहा है। पर कई जगह ऐसा भी है कि पैसा वापस नहीं भी हुआ है, ऐसे भी कई केसेस आए हैं और वास्तव में वो डोनेशन हो गया है। तो ऐसे डोनेशन के केसेस जिनमें नोटिस आया है इनको किस तरीके से डील किया जाए उसके ऊपर आज हमारा ये सेशन है। सबसे पहले ये डोनेशन की बात है क्या, कौन से प्रोविजंस में डोनेशन हुआ है, इसकी क्या छूट मिली है। तो हम देखें जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया जाता है, हमने डोनेशन एटीजी में चैरिटेबल ट्रस्ट को भी देते हैं पर ये कुछ अलग है, ये कुछ जुदा है। क्यों? क्योंकि जो डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जाता है उनमें एटीजी में कुछ लिमिट्स हैं, या तो 100% या 50%, 50% या 100% में भी एक लिमिट और है कि 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा का आपको छूट नहीं मिल सकती। इस तरीके के कई सारे उन्होंने कैपिंग लगा रखी है। पर यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कोई डोनेशन दे रहे हैं तो अगर कोई कंपनी दे रही है तो सेक्शन 80GGB के तहत आपको पूरी छूट मिलती थी और नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए 80GGC के अंदर उन्होंने प्रोविजन कर रखा है कि कोई इंडिविजुअल हुआ, HUF हुआ, उसने अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रखा है तो पूरी की पूरी छूट मिल जाती है। हाँ, पूरी की पूरी छूट मतलब अगर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 1,00,000 रुपए है और मैंने 1,00,000 रुपए का डोनेशन कर दिया तो मुझे पूरे 1,00,000 रुपए की छूट मिल जाती है। ये बात अलग है कि कोई पूरी की पूरी इनकम डोनेशन क्यों करेगा, बट ये प्रोविजन जो है जो बनाए गए हैं यहां पर आपको 100% डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी कैप। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने की छूट के प्रोविजन चैप्टर 6A में है। अब हम देखें कि छूट कब मिलेगी, किसको मिलेगी। 80GGB और 80GGC में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको डोनेशन करने पर छूट मिलेगी, इसमें लिखा है इलेक्शन कमीशन के पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 29A के अंदर जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड हो या ना हो, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन अगर किया जाता है तो उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है। अब आप कहेंगे रजिस्टर्ड तो ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। ये जो नोटिसेस आए सब ये RUPPS है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की बात है। तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है रजिस्टर्ड इनमें कोई समस्या नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के अंदर इश्यू आ रहा है। व्हाट आर दीज अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। तो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी वो होती है जो नई नई पार्टी बनी है, जो ना स्टेट पार्टी है ना नेशनल पार्टी है। स्टेट पार्टी कौन बनता है, जो उस स्टेट में इलेक्शन लड़के कम से कम 2 सीटें लेके आ जाए, 6% वोट ले आ जाए तो उनको स्टेट पार्टी बनाया जाता है। वहीं जो 4 स्टेट्स की अगर पार्टी है, 4 स्टेट्स में एक रीजनेबल 2% वोट लेके आ जाए, 6% वोट 2 सीटें लेके आ जाए हर स्टेट में, उनको नेशनल पार्टी रिगार्ड किया जाता है। या जिसने कभी कंटेस्ट किया ही नहीं इलेक्शन, वो सारी अनरिकॉग्नाइज पार्टीज होती है। हमारा मुद्दा इनसे रिलेटेड है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, इनके ऊपर हमारा डिस्कशन फोकस रहेगा। अब ये कितनी है तो आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे देश में लगभग 2800 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड
अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहीं स्टेट पार्टीज में 54 पार्टीज को स्टेट पार्टीज का दर्जा मिला है और 8 पार्टीज ऐसी हैं जो नेशनल पार्टीज हैं। तो आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। गवर्नमेंट की इसमें इंटेंशन भी दिखता है कि गवर्नमेंट चाहती, और इस तरीके की अगर कोई भी माल प्रैक्टिस गवर्नमेंट को लग रही थी तो वो रजिस्टर्ड रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 80GGB 80GGC कर सकती थी, पर नहीं, गवर्नमेंट ने खुला रखा और इवन अनरिकग्नाइज को भी इसका बेनिफिट दिया। तो जब गवर्नमेंट अनरिकग्नाइज को बेनिफिट दे रही है तो उसके बाद में इस तरीके के मास नोटिसेस इशू करना, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अमेंड करने की ज्यादा जरूरत है रादर देन एक कॉमन मैन इतने सारों को नोटिस देने की वजह से। तो हम देख रहे हैं 2800 अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिसका मतलब वो एलिजिबल है डोनेशन लेने के लिए, और उनके डोनेशन पे एसएससी को 80GGB और GGC के अंदर छूट मिलती है। ये हमने डिफरेंस समझा रिकग्नाइज और अनरिकग्नाइज का, दोनों रजिस्टर्ड में आती है। अब आगे देखें तो सर, हम जब रिटर्न में डिडक्शन क्लेम करते हैं तो क्या क्या जानकारी जाती है? यहां आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड पार्टी हो, अनरजिस्टर्ड पार्टी हो, रिकग्नाइज्ड हो, अनरिकग्नाइज्ड हो, हमें कौन सी पार्टी दिखेगी? तो यहां आप देखेंगे तो 80GGB GGC के अंदर आपको कोई और इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपको केवल अमाउंट लिखना है। मतलब चाहे मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी को डोनेशन दू या सबसे छोटी अनरजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पार्टी को डोनेशन दू, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पार्टी को डोनेशन दू, नाम कहीं भी नहीं जाएगा। और ये सही भी है, क्यों? क्योंकि अगर हमने रिटर्न में नाम दे दिया तो आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है किसकी मशीनरी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी गवर्नमेंट का पार्ट है। डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट ने बुलवाया कि भैया किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, इस बेस पे वो एनालाइज कर सकती है कि भैया कौन कौन कितना पार्टी को डोनेशन दिया, तो कौन किस विचारधारा, किस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भी रिटर्न में ये जानकारी मांगना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। एक तरीके से आपकी विचारधारा, आपकी जो वोट की सीक्रेसी है, इसलिए वो रिटर्न में आपसे ये जानकारी नहीं मांग सकते। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारे रिटर्न से तो कहीं भी ये एनालिसिस नहीं किया गया। ये जितने नोटिस आए हैं, ये कुछ जो सर्च सीजर एक्शन गवर्नमेंट ने किए उसमें जो जानकारी मिली, उस बेस पे नोटिसेस इशूड है। किसी एसएससी के रिटर्न के बेस पे ये जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, वहां नहीं ली जा सकती। 80G में तो चले जाती है इंफॉर्मेशन कि हमने किस ट्रस्ट को डोनेशन किया, पर 80GGC में किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया, ये इंफॉर्मेशन एसएससी से नहीं पास ऑन होगी। ये इंफॉर्मेशन सामने वाले ट्रस्ट से ही मिलेगी, सामने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी है वहीं से ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी। अब आगे हम देखें रिटर्न से, एसएससी के रिटर्न से तो यह इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। हुआ क्या, 7 सितंबर 2022 को और उसके पहले कई सारे सर्च एक्शन हुए, और ये एक्शंस मैक्सिमम अहमदाबाद बेस्ड जो ऑफिसेस थे, ऐसी 23 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज में हुए। टोटल पार्टीज कितनी है रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज? 2800 पार्टियां हैं, पर 23 पार्टियां ऐसी आइडेंटिफाई की गवर्नमेंट ने जहां पर 7 सितंबर वाली सर्च में 35 बोगस इंटरमीडियरीज गवर्नमेंट को फाउंड हुई, और 3 मेजर एग्जिट प्रोवाइडर्स भी मिले उसके अंदर, जिनके थ्रू ये पॉलिटिकल पार्टीज ने पैसा बाहर निकाल के नगद वापस किया है। अब क्या मिला है इन सर्च के अंदर? कुछ डोनेशन रिसिप्ट बोगस मिली है, कुछ डायरीज मिली है जिनमें कमीशन की डिटेल आती है, उनके अनुसार कुछ लोगों ने 1.5 से 5% का कमीशन चार्ज किया है इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बोगस डोनेशन के लिए, ऐसे भी कुछ केसेस इनको मिले हैं। कुछ लूज पेपर्स मिले हैं जिनमें कुछ नाम या चैट और कुछ बेसिक ऐसे फाइंडिंग मिली हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं कुछ लोगों के साथ में, और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर रहे थे इनमें से कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं इस सर्च के अंदर। अब आप कहेंगे जब इतना सब बोगस मिल गया, अगर इतने सारे एलिगेशन हैं, इतने सीरियस एलिगेशन हैं, तो इन पार्टीज का क्या हुआ? इन पार्टीज का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड इनको इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, पर इनको डी रजिस्टर करने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। आप देखें कितना बड़ा जो है ट्रेजेडी है कि आप रजिस्टर तो कर सकते हैं पर डी रजिस्टर नहीं कर सकते। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, और इन सब इश्यूज को पहले एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल अफेयर्स 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस 685 के केस में एनालाइज की गई पोजीशन,
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करने का अधिकार है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर नहीं किया जा सकता। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व मिटाना है तो आपको सदन के दोनों हाउसेज में रेजोल्यूशन पास करके उसको डी रजिस्ट्रेशन करा जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन जैसे हम कंपनी बना सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, वैसे ही इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर सकती है, उसको डी रजिस्टर करने के लिए सिंपल प्रोसेस नहीं है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो उसके बाद इन्होंने एसएससीज को टारगेट किया। और ये टारगेट कैसे किया, तो इस बार जो विद इन थ्री ईयर्स 50 लाख से कम डोनेशन वाले केसेस में विद इन थ्री ईयर्स ये केस को रीओपन कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 1920 के केसेस ओपन किए, जिसमें सामान्यतः देखने में आया है एवरेज एक 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के डोनेशन में, ये एक एवरेज मैंने फिगर बताया। कई केस में ज्यादा भी डोनेशन हो सकता है और कई केस में कम भी डोनेशन हो सकता है। इन डोनेशन के केसेस में जो इन 23 पॉलिटिकल पार्टीज को किए हैं, ऐसे केस में नोटिस आए हैं। नोटिस किसको आए हैं, तो एक एनालिसिस के अनुसार ये मैक्सिमम जो टैक्स पेयर्स हैं ये सैलरीड टैक्स पेयर्स हैं, या कुछ स्मॉल प्रोप्राइटर्स हैं, या कुछ एचएनआईज हैं जिनकी इनकम 5 करोड़ क्रॉस होने जा रही थी और वो सुपर रिच सरचार्ज गवर्नमेंट का है वो लग रहा था, तो उन्होंने 5 करोड़ से नीचे या 2 करोड़ से नीचे आने के लिए ये डोनेशन देके, जिससे उनका टैक्स रेट कम हो जाए, इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो जाए, इसलिए इस प्रकार के डोनेशंस थे। और कई लोगों के जेन्युइन डोनेशन भी हैं इसके अंदर, कि पार्टी का नाम पसंद आ गया तो उनको डोनेट कर दिया लोगों ने। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे नोटिसेस इशू हुए हैं। अब एसएससी को क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो इस स्ट्रेटेजी में पहले तो मैं कहूंगा जिनमें नोटिस आ चुका है उनमें भी अगर 50,000 से कम का नोटिस है तो ऐसे केस में एसएससी को एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई इस लेवल पे फाइल करना चाहिए, 148A से लेकर 148 इशू होने के बीच में। और ये स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देने के बाद में अगर 148 इशू हो जाता है तो फिर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट 50,000 तक का ही है डोनेशन का, उन केसेस में हम रिटर्न में वो डिडक्शन को डिसअलाउ कर दें। अब आप कहेंगे ऐसे केस में क्या होगा, क्या मुझे वो 115BB वाले प्रोविजन लग सकते हैं जिसमें मुझे 77% और 100% टैक्स रेट है, वो यहां नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि ये एडिशन नहीं हो रहा, डिडक्शन का डिसअलाउंस हो रहा है। जब 68 सेक्शन से लेकर 69D में एडिशन होता है तो उस केस को कंसिडर किया जाता है 115BB के लिए, पर यहां मैंने चैप्टर 6 से डिडक्शन क्लेम किया है जिसको मैं खुद ही अगर डिसअलाउ कर रहा हूं तो फिर वो इनकम नहीं मानी जाएगी मेरी, वो मेरा डिसअलाउंस होगा डिडक्शन का। तो जब डिडक्शन का डिसअलाउंस होता है तो 68 से 690 इन्वोक नहीं होंगे, 115BB इन केसेस में नहीं लग सकता। तो मैं ये कर सकता हूं कि रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मैं डिडक्शन को डिसअलाउ कर दूं, तो जब मैंने जो डिडक्शन क्लेम किया था उसको डिसअलाउ कर रहा हूं ये 50,000 तक के केसेस में, तो उस केस में अगर पेनल्टी लगती भी है, जो पेनल्टी आएगी तो वो फिर भी 50,000 रुपए तक अगर मेरा पूरे में निपट जाता हूं मैं तो कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि लिटिगेशन कॉस्ट भी इन केसेस में इन्वॉल्व रहेगी। तो 50,000 तक के केस में मेरी एडवाइस ये है कि हम एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई अभी फाइल करें और उसके बाद में जब ये नोटिस 148A का इश्यू हो जाए तो 148 के नोटिस के रिस्पांस में हम जवाब दे दें, हम जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें डिडक्शन को डिसअलाउ कर दें स्वयं में। तो वो क्या है, लिटिगेशन कॉस्ट से बच जाएगा आदमी, पेनल्टी की संभावना फिर भी पूरी रहेगी। अब जो 50,000 से ऊपर वाले केसेस हैं उनमें लिटिगेशन किया जा सकता है, क्यों लिटिगेशन किया जाए, एक हम पहले प्रोसेस समझते हैं फिर इंपैक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। आप यहां देखें अभी जो स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज है, शो कॉज नोटिस इशू है सेक्शन 148A के अंदर, सेक्शन 148A क्लॉज बी में शो कॉज नोटिस हुआ है, जिसका जवाब हमें 7 से 30 दिन का समय जो भी एओ ने दिया है उसके बीच में देना पड़ेगा। अब ये जवाब देने के बाद क्या होगा, ये जवाब सबको देना है, जवाब हमें देना ही चाहिए चाहे हम स्वीकारें न स्वीकारें, पर ये जवाब स्ट्रॉन्गली हमको देना है इस स्टेज पे। अभी हम सेकंड स्टेज पे खड़े हैं, अगर हमने अच्छा जवाब दे दिया तो भी 148A क्लॉज डी का नोटिस तो जारी होगा ही, और 148 का नोटिस जारी होगा, वो डिपार्टमेंट को इस ऑर्डर में लिखना रहता है कि क्या आप इसको फिट केस मान रहे हैं या नहीं, तो 99.99% केस में सारे केस में डिपार्टमेंट को फिट केस मान लेगा। फिट केस मान लिया, उन्होंने ये नोटिस जारी किया, इसके रिस्पॉन्स में हमको रिटर्न फाइल करना है। ये रिटर्न में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो ऑप्शन है,
आप इस स्लाइड में देखेंगे हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन के रिटर्न में हम इस इनकम को डिडक्शन को अपने आप ही डिसअलाउ कर दें और डिडक्शन को डिसअलाउ करके हम टैक्स भर दें, तो टैक्स की लायबिलिटी क्या आएगी। टैक्स 30% के स्लैब में मैक्सिमम लोगों ने किया, अगर 30 नहीं है किसी का 10% है 20% है जो भी स्लैब है वो लग जाएगा। हम अज्यूम कर लेते हैं 30% का स्लैब है, ये 30% इमीडिएटली भरना पड़ेगा। साथ ही ये असेसमेंट 19-20 है, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर अगर हम अगले महीने तक रिटर्न फाइल करते हैं तो 50 महीने का 1% से ब्याज लगेगा। अब ये ब्याज किस पे लगेगा, टैक्स के ऊपर लगेगा, तो इफेक्टिवली ये हो जाता है 15%, तो 30% प्लस 30% का 50%, तो ये 15%, तो 45% तो टैक्स का हमें आज ही रिटर्न के साथ में भरना पड़ेगा। इसके बाद में डिपार्टमेंट, एक बार हमने टैक्स भर दिया फिर डिपार्टमेंट जब ऑर्डर पास करेगा तो वो पेनल्टी लगाएगा मिस रिपोर्टिंग की, और मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी लगती है 200% ऑफ टैक्स सॉट टू बी वेटेड। तो ये जो 30% है इसका 200%, मतलब 60% की पेनल्टी हो गई, तो टैक्स और पेनल्टी मिला के 90% हो जाता है। इसको अगर हम एक केस एग्जांपल लेके एनालाइज करें तो अगर मैंने 1,00,000 रुपए का डोनेशन का नोटिस है मुझे, तो 30% का टैक्स आ जाएगा 30,000 रुपए, इंटरेस्ट 50% जो 1% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट आएगा मेरा 15,000 रुपए, 200% की मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी आ जाएगी 60,000 रुपए, तो कुल मिला के टैक्स और ब्याज के साथ में मेरी लायबिलिटी इसके ऐसे केसेस में 105% के आसपास निकलेगी। ये एक रफ मैंने कैलकुलेट किया है, 1,00,000 के डोनेशन पे 1,05,000 रुपए का मेरी लायबिलिटी आएगी। अब ये तो पहला अल्टरनेटिव हुआ। दूसरा अल्टरनेटिव कि हम सरेंडर न करें, हम इस चीज को क्लेम कर लें, तो क्या होगा। ऐसे केस में भी टैक्स 30% वाला तो लगेगा क्योंकि असेसिंग ऑफिसर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंटरेस्ट भी 1% पर मंथ से 50 महीने का लगेगा, और ये जो डिमांड आएगी मेरी जो अगले साल आएगी 31 मार्च 2024 तक ऑर्डर करना है, तो तब ये जो डिमांड आएगी इसका डिमांड का मैं 20% पे करके अपील में चले जाऊं तो मेरे अकाउंट्स वगैरह भी अटैच नहीं होंगे और मेरा केस कंटिन्यू रहेगा, तो मेरी इमीडिएट लायबिलिटी तो नहीं आ रही। दूसरा रही पेनल्टी की बात, तो सेक्शन 275 कहता है कि एक बार आपने अपील फाइल कर दी तो जब तक फर्स्ट अपील का डिसीजन नहीं आए तब तक आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लग सकती। तो आप मान के चले अपील, फर्स्ट अपील का डिसीजन मिनिमम 2 साल और अगला 1 साल, तो अगर आप इसको कंटेस्ट कर रहे हैं तो अगले 3 साल में आपका ये जो टैक्स और ये है ये आगे बढ़ जाएगा और पेनल्टी 3 साल बाद लगेगी अगर लगेगी तो। अब अगले 3 साल के बीच में क्या क्या हो सकता है, तो अगले 3 साल के बीच में एक स्थिति ये भी है कि आज के समय में 8,00,000 अपीलें सीआईटी अपील में पेंडिंग है, सरकार लिटिगेशन कम करना चाहती है, अभी रिसेंटली जीएसटी की भी एमनेस्टी स्कीम आई है। ये मामलों में अब आम आदमी, कॉमन मैन, छोटे सैलरी टैक्स पेयर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो मेरे बिना किसी आधार के मेरी पर्सनल गट फीलिंग या मेरे पर्सनल विचार में अगली वीएस आने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो अगर कोई दूसरी विवाद से विश्वास स्कीम आ जाती है तो हम अपील में रहेंगे, लिटिगेशन में रहेंगे, मामला पेंडिंग रहेगा, तो 1,00,000 के डोनेशन पे अगर नॉर्मल स्कीम में टैक्स मांगते हैं 30,000 रुपए तब आप भर देंगे तो आपका 15,000 का ब्याज, 60,000 रुपए की पेनल्टी, ये सब वेव होने की पूरी संभावना है। ये केवल एक मेरा विचार है, मेरी संभावना है जो मुझे लग रहा है। तो अगर हम लिटिगेशन वाले ऑप्शन में जाते हैं तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि केवल ये टैक्स भर के भी एसएससी बच सकता है। हाँ, लिटिगेशन की जो अपनी कॉस्ट है वो रहेगी, बट लिटिगेशन करके इस मामले में जो 200% की पेनल्टी है इससे बचा जा सकता है, और इंटरेस्ट से भी कुछ संभावनाएं हैं कि एसएससी बच जाए, और ये संभावना इससे भी लग रही है क्योंकि ये नोटिस थोक बंद इशू हुए हैं। ये मतलब एक आई डोंट नो, आई कैन नॉट वेरीफाई द फैक्ट, बट किसी व्यक्ति से मुझे जानने मिला है कि लगभग 2-3 लाख नोटिसेस इशू हुए हैं जिनमें मैक्सिमम सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, तो उसमें ये लिटिगेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें एक इसका एक और पहलू है, कई केस में ये भी हुआ है कि कुछ लोग जिनको नोटिस आया उन्होंने, उनका दिमाग खराब हो गया, उन्होंने बोल दिया, और कुछ ऐसे जो है उनको अगर किसी इंटरमीडियरी ने इस तरीके के हेल्प की थी सॉलिसिट करने में तो उनकी कंप्लेंट्स भी करी हैं, उनके अगर ईमेल से उनको ये रिसिप्ट मिली है इसकी,
उन सब चीजों के बेस पे उन्होंने उसको यूज भी किया है। तो सर एज अ प्रोफेशनल हम लोग ये समझ के रखें कि इस तरीके की कोई भी अबेटमेंट हम ध्यान रखें कि इस तरीके से क्लाइंट कभी भी हमारा नहीं होगा, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। तो कभी भी क्लाइंट को इस तरीके की जो है चीजों में हेल्प नहीं करें, क्योंकि कल को क्लाइंट हमारे पास ही आ जाएगा या हमारे अगेंस्ट भी चले जाएगा कि सर ये तो मेरे को रिसिप्ट मेल पे मिली या व्हाट्सएप पे मिली तो मतलब इन्होंने ही मुझे हेल्प करी, जबकि ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो। इसलिए हमें एज अ प्रोफेशनल बहुत ही ध्यान रखते हुए बहुत ही सदैव हुए रूप में एक्शन करना पड़ेगा, और इस तरीके की हरकतें करके क्लाइंट्स को भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रोफेशनल है तो वो आपको हेल्प करेगा किस तरीके से। कई बार लोग प्रोफेशनल पे दबाव बनाने के लिए इस तरीके के फॉल्स क्लेम फ्रिवोलस क्लेम लगा देते हैं जो नहीं होना चाहिए, बट हमें अपनी सावधानी रखना जरूरी है। अब एक बार आपका केस खुल गया तो भले ही आपने इसको सरेंडर कर दिया, आपने रिटर्न में ऑफर भी कर दिया हो, तो भी रीओपनिंग में असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपका पूरा केस खोल के आपके कैश डिपॉजिट जो बैंक अकाउंट में किए हैं उसका सोर्स पूछ सकता है, कोई बैंक के अंदर क्रेडिट एंट्री आई है तो उसका सोर्स पूछ सकता है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो भैया इसका सोर्स क्या है, कोई दूसरी छूट एक्सपेंसेस का डिडक्शन लिया हो, सैलरी वालों ने कोई एचआरए लिया हो तो उनसे जानकारी मांगी जा सकती है कि आपने किसको रेंट पे किया, क्या किया, तो ये सब की संभावना भी खुली हुई है। असेसिंग ऑफिसर के पास अधिकार है, पर अगर हम उसको टेक्निकल जवाब फाइल कर रहे हैं, स्ट्रांग रिप्लाई देंगे, तो हम असेसिंग ऑफिसर को इधर उधर होने ही नहीं दें, उसको इशू तक स्पेसिफिक करके रखें। ये हम प्रोफेशनल्स का आर्ट रहेगा, कैसे हम एक उसको इधर उधर देखने का फुर्सत ही नहीं दें या उसको इस तरीके के डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं करें जिससे वो दूसरी चीजों को भी देखभाल सके। ये इशू के ऊपर असेसिंग ऑफिसर को हमको फोकस रखना है, इधर उधर की चीजें वो नहीं ले पाए, नहीं गैदर कर पाए, इसके बारे में हमको टेक्टिकली मूव करना पड़ेगा। देन हम देखें चार असेसमेंट ईयर आज के तारीख में हमारे सामने हैं, 19, 20, 21। अब इसमें रिवाइज रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता, तो इसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन है, लिटिगेशन करना या सरेंडर करना। छोटे अमाउंट है बहुत ज्यादा तो जब भी नोटिस आएगा तब रिटर्न में ऑफर कर दें। कई केस में हो सकता है कि 20-21 के अंदर उनको कोई डेटा मिला नहीं हो तो वो नोटिस न भी आए, बट जो है फिंगर्स आर क्रॉस वी कैन नॉट से, क्योंकि 19-20 का डेटा मिला है तो 20-21 में भी कोई डेटा उनको इस तरीके का मिला हो सकता है। 20-21 में भी 31 मार्च को अपडेटेड रिटर्न की डेट चली गई तो इसमें भी अब अपडेटेड रिटर्न नहीं हो सकता, भविष्य में नोटिस आता है तो फाइट करना ही एकमात्र उपाय है। 21-22, 22-23 में अगर किसी का ये 23 पार्टियों में से कोई केस है तो उन केस में ये एडवाइजेबल है कि एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें और छुट्टी पाएं। नोटिस तो फिर भी आएगा, पर जब नोटिस आएगा 148A का तो उसके रिस्पांस में हम ये बता दें कि हमने तो ऑलरेडी ये रिटर्न में ऑफर किया हुआ है, तो वो नोटिस वही ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि जिस इशू पे नोटिस आया है अगर आपने उसके पहले या उसके बाद भी 148A का नोटिस आने के और 148 आने के बीच में भी अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका 148 का नोटिस ड्रॉप किया जा सकता है। तो 21-22, 22-23 अगर अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें, इवन बहुत ज्यादा अमाउंट भी हो और अगर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मामला फिशी है तो फिर हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करें कि अपडेटेड रिटर्न को ही फाइल किया जाए। देन अब हम बात करें कि लड़ना है तो लड़ने के लिए हथियार हम अपने हाथ में ले लें, सारे अस्त्र शस्त्र साथ में ले लें ताकि जब लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ा जाए। क्या हमारे रिप्लाईज में होना चाहिए, कैसा हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कई टेक्निकल फ्लॉज भी नोटिस में देखने में आ रहे हैं, जैसे एक नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 है जो 29 मार्च 2022 का है, इसमें लिखा हुआ है कि 148 का जो नोटिस है ये फेसलेस ऑफिसर के द्वारा इश्यू होना चाहिए, बट अभी डिपार्टमेंट वापस वो आशीष अग्रवाल जैसी गलती कर रहा है कि ये सारे नोटिस जाओ ज्यूरिसडिक्शनल एओ यूज कर रहा है, ज्यूरिसडिक्शनल एओ इशू कर रहा है। तो जब अभी हमने ऑब्जेक्शन 148A में नहीं लेना, पर जैसे ही 148 आता है और वो इशू किया जाता है जाओ के द्वारा, तो हम कह दें ये नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कि सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन आप पे बाइंडिंग है और आपने क्योंकि इसको फॉलो नहीं किया तो इसलिए आपका नोटिस इनवैलिड है, नल एंड वॉइड है, बिकॉज इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द इंस्ट्रक्शन विच रिक्वायर्ड दैट द नोटिस शुड हैव बीन इशूड बाय द फेसलेस असेसिंग ऑफिसर एंड नॉट बाय द ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम ले सकते हैं। दूसरा,
अगर नोटिस में इंफॉर्मेशन ही गलत है, आपने किसी एक्स पार्टी को डोनेशन दिया और नोटिस में वाई पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो वो रीजन गलत है और गलत रीजन के बेस पे रीओपनिंग नहीं की जा सकती। ऐसा सागर एंटरप्राइज का गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन है 257 ITR 335 में। तो इसको भी हम साइड करके कह सकते हैं कि ये नोटिस नल एंड वॉइड है, हमने जो पार्टी का नाम लिखा है इस पार्टी को कोई डोनेशन हमने नहीं किया। और कई बार क्योंकि उनको जो डेटा मिला है बहुत रॉ मिला है, गलत, ऐसे कई केसेस आए हैं जिनमें इस तरीके का इशू आ रहा है, तो इस पॉइंट पे भी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दें हम। इसके बाद में कई बार मैकेनिकल अप्रूवल है, स्पेसिफाइड अप्रूवल, उसमें लिख दे यस सेटिस्फाइड, तो उसका मतलब नहीं होता, आपकी अप्रूवल प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, तब जाके अप्रूवल होगी। अप्रूवल में एप्लीकेशन ऑफ माइंड सामने दिखना चाहिए। कुछ नोटिस तो ऐसे भी देखने आए हैं जिनमें कोई साइन या डीएससी है ही नहीं, 148A और 148 के नोटिस पे नीचे साइन ही नहीं है और डीएससी भी नहीं, केवल एओ का नाम लिखा हुआ है, तो ऑथेंटिकेशन तो होना चाहिए। बिना साइन किया हुआ नोटिस कैसे वैलिड नोटिस हो सकता है, भले ही उसके ऊपर डिनो सब कुछ हो, बट ऑथेंटिकेशन तो होना चाहिए। और क्योंकि ऑथेंटिकेशन आज रिटर्न हमने वेरीफाई नहीं किया, तो भले ही हमने अपने आईडी से अपलोड किया पर वेरीफाई नहीं किया, तो उसको इनवैलिड रिटर्न डिपार्टमेंट मांग रहा है। तो वैसे ही जो नोटिस है जिसपे एओ की डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो वो नोटिस भी अनऑथेंटिकेटेड है, इनवैलिड है, प्रॉपरली इशूड ही नहीं माना जाएगा। ऐसे भी कई केसेस ऐसे देखने में आएंगे, तो नोटिस को बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से देखें तो हमको कई सारे इश्यूज उसके अंदर निकल आ जाएंगे। नोटिस में कई वेग नोटिस भी हैं। कैसे? आपने इन 23 पार्टियों में से किसी एक पार्टी को डोनेशन दिया, व्हाट डू यू मीन? आप स्पेसिफिकली बताएं हमने किसको दिया है। आप कुछ भी वेग बोलेंगे कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ अमाउंट डोनेट किया है, भैया अमाउंट भी आपको बताना जरूरी है। कई में तो अमाउंट गलत लिखे हुए हैं तो वो भी नोटिस वेग हो गया। कई में पार्टी नहीं लिखी है कि आपने किसको नोटिस किया, आपने 23 RUPP में से किसी को डोनेशन किया, तो सॉरी दैट इज अ वेग नोटिस। वेग नोटिस के केसेस में रीओपनिंग नहीं की जा सकती, तो उसको भी हमको स्ट्रॉन्गली 148 को चैलेंज कर सकते हैं वेग नोटिस के ग्राउंड पे। तो ये तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हुए जो नोटिस में खामियां हैं, और टेक्निकल पे भी चैलेंज करना। आप कहेंगे सर टेक्निकल पे क्यों चैलेंज करें? देखिए टेक्निकल पे भविष्य में रिलीफ मिलने की भी संभावना है, और दूसरा ये होता है कि जब हम पेनल्टी के लिए लड़ेंगे तो हम बता सकते हैं कि सर ये नोटिस टेक्निकली भी इनवैलिड था, मेरिट्स पे भी कमजोर था, तो जितने पॉइंट हम बताएंगे तो उतना हमारे पेनल्टी बचने के ऊपर जो है बहुत स्ट्रांग हेल्प मिल जाती है। तो अभी से स्ट्रांग रिप्लाई करें, जैसे हमारे हिंदू धर्म में और शास्त्रों में कहा है साम दाम दंड भेद, तो हम सब लगाए टेक्निकल ऑब्जेक्शन, मेरिट पे ऑब्जेक्शन, ये सबको अगर प्रॉपरली अप्लाई करेंगे तो एक स्ट्रांग रिप्लाई हम दे सकते हैं। रिप्लाई में क्या होना चाहिए? उन्होंने ये जानकारी चाहिए कि भैया किसको डोनेशन दिया और क्यों डोनेशन दिया। तो हम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको डोनेशन दिया, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एजेंडाज हैं, बताएं, और हम बताएं कि हम इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं इसलिए हमने इस पार्टी को डोनेशन दिया है। देन हमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर हम उसके किसी लीडर या इन्फ्लुएंसर से अगर इन्फ्लुएंस्ड हैं तो हम उनका नाम भी इसके अंदर साइड कर सकते हैं कि इस व्यक्ति से हम इन्फ्लुएंस हो गए थे। आज हर आदमी जो डोनेशन कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन क्यों करेगा? कि यार मेरा अगर परिचित आदमी पॉलिटिशियन बन गया, कोई चुनाव जीत गया या कोई चुनाव नहीं भी जीता, पर हारने वाली पार्टी का भी अगर कोई पॉलिटिशियन को मैंने डोनेशन दिया तो कई बार मुझे पुलिस में या कहीं जाना पड़ा तो वो मेरे साथ आके खड़ा रहता है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन जो दिया जाता है, कई बार हम जो है चंदा देते हैं, ये उत्सव हुआ, इस तरीके के अलग अलग चीजों में चंदा देते हैं, तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि उससे एक हमको हेल्प मिलती है। तो वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी डोनेशन दिया तो हमको लगा कि ठीक है यार, इसको डोनेशन देके हमको हो सकता है कि हमारे साथ आके खड़ा रहे, इमोशनल सपोर्ट रहे, किसी भी सिचुएशन में बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारी तरफ से धरना दे सकता है, एक अपोजिशन हमारी आवाज उठाने वाला कोई भी तो हो। तो जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, बड़े वाले तो सुनते नहीं, तो छोटी पार्टी को डोनेशन हमने इसीलिए दिया ताकि हमारी आवाज भी उठा सके। तो इसलिए हमने डोनेशन दिया है। अगर हम प्रॉपर रीजनिंग देंगे कि क्यों दिया है तो फिर हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। डोनेशन कैश में चेक में देखें, क्योंकि केवल चेक का डोनेशन अलाउबल है, कैश में डोनेशन है तो अलाउबल नहीं है, तो ये भी नोटिस में हम वेरीफाई कर लें। इसके बाद एक लेवल और आगे जब जब हम जाएंगे, अगर आपको क्लाइंट अच्छे से फीस दे रहा है तो उसके केस में आप ये भी देखें कि भैया जो एलिगेशन डिपार्टमेंट का है कि आपने नगद निकाला, आपको नगद मिल गया, तो कहीं आपने डोनेशन देने के अगले 5 दिनों में आपके पास लगभग उतना ही पैसा कैश में आया और आपने खाते में जमा तो नहीं किया,
ये असेसमेंट से आपको इंश्योर करना है इस तरीके के कोई फैक्ट तो नहीं है, या ऐसा हो कि आपने उसके बाद साल भर तक बैंक से कोई ड्रॉइंग ही नहीं करी, तो भैया आप सैलरीड आदमी हो, आपकी पूरी सैलरी खाते में क्रेडिट हो रही है, तो आपने ड्रॉइंग नहीं करी मतलब नकद पैसा जो मिला उसी से खर्चा तो नहीं किया आपने, तो ये भी कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं जिसकी हमको इंक्वायरी करनी चाहिए क्लाइंट से। देन 68 से 69 डी इस पे नहीं लगते हैं, ये बात क्लियर है। 68 69 डी नहीं लगते तो एक 68 69 डी में अगर कोई कैश क्रेडिट है तो उस केस में ओनर असेसी के ऊपर है प्रूव करने का कि ये बोगस नहीं है, पर यहां तो डिडक्शन का डिसलाउंस हो रहा है तो डिपार्टमेंट का रोल ज्यादा है, डिपार्टमेंट के ऊपर ओनर्स ज्यादा है, यहां डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया आपने इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन है। तो ये कैसे प्रूव किया जा सकता है, तो यहां पर हम देखें एक्यूजर हैज टू प्रूव, तो उसको बताना पड़ेगा कि भैया सामने वाले ने आपका नाम लिया है, आप बताओ कि मेरा नाम कहां है, किसने मेरा नाम लिया। तो आपका नाम अगर स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा जिसकी कोई मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, आप बोल दो कि भैया आप ऐसे कैसे मेरे ऊपर आक्षेप लगा सकते हो। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो यू शुड हैव अ क्लिंचिंग एविडेंस टू प्रूव दैट। ये 68-69 डी वाला एडिशन नहीं है जहां पर असेसी के ऊपर ओनर्स रहता है, ये आप चैप्टर 6 का डिडक्शन डिसअलाउ कर रहे हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट कि मेरा नाम उसने स्टेटमेंट में लिया है, और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको कैश मिली है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस डिपार्टमेंट ये प्रूव कर सके कि कैश हमको वापस मिली है, किसी केस में किसी ने कैश किसी थर्ड इंटरमीडिएट को दे रही तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा उस पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपको ये पूछना है स्टेटमेंट में कि भैया मेरा नाम बताओ, कहीं असेसी का नाम लिया है क्या, क्योंकि हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया तो उसने हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसने हमारा नाम नहीं लिया होगा, आप बताइए किस तरीके से जो एलिगेशन कर रहे हैं कैश रिटर्न, तो असेसी को कैश रिटर्न मिली इसका प्रूफ दीजिए आप। इसके बाद अगर थर्ड पार्टी मटेरियल है तो सुप्रीम कोर्ट ने सी वसंत लाल में कहा है कि ये थर्ड पार्टी मटेरियल उनके स्टेटमेंट जब तक हमको बताएंगे नहीं, हमारी कॉम को कॉपी नहीं देंगे, तब तक हमारे अगेंस्ट में एडवर्स इंफ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद स्टेटमेंट की कॉपी दे भी दी तो भैया सामने वाला क्या करता है क्या नहीं करता ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जब मेरे लिए इम्पॉसिबल है तो उसकी सजा भी मुझे नहीं मिल सकती। एक LIC के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि लॉ आपके ऊपर इम्पॉसिबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकता, एक बार मैंने पैसे दे दिए फिर वो उस पैसे का क्या करता है ये तो सरकार को देखना है, इलेक्शन कमीशन को देखना है जिन्होंने इसको रजिस्टर किया, मैं क्या करूं उस चीज का, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट है भी तो उसके स्टेटमेंट जिसने दिए हैं उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको क्रॉस एग्जामिन करूंगा। अगर आप मुझे क्रॉस एग्जामिन नहीं कराते हो तो फिर आप उस स्टेटमेंट को मेरे अगेंस्ट में यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, ये एक सेटल्ड लॉ है। आपको याद होगा 1993 में हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें राम जेठमलानी साथ में थे और एक बड़ा सा सूटकेस ले जाके उन्होंने बोला कि इस सूटकेस में जो 1 करोड़ रुपए है ऐसे ही एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपए मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को दिए हैं, तो उसके बोलने से कोई प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट में कार्रवाई थोड़ी हो गई, क्यों, उसने स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट दिया है पर जब तक वो स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता उसको आप लीगल एविडेंशियरी वैल्यू नहीं मान सकते। तो जब तक ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन आपको नहीं करवाता डिपार्टमेंट जिसकी संभावना कम है, तो ऐसे केसेस के अंदर फिर आपको जो है और क्रॉस एग्जामिन कराता भी है तो आप बिंदास से पूछे कि भैया मैंने कब तेरे से नगद वापस लिए और तू कौन है, मैंने किसी इसकी विचारधारा को देखते हुए डोनेशन दिया, मेरा डोनेशन जेन्युइन है, आपने कब दिए। 99% केसेस में तो सामने वाला जो है गलत नहीं कर बोल सकता, अगर आपने जेन्युइन डोनेशन दिया है तो सामने वाला कहीं भी ये नहीं कह सकता कि नहीं ये बोगस डोनेशन है। कई केस में तो आप ये देख लीजिएगा कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि जो है साँच पाँच नहीं, अगर वो गलत है तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आ ही नहीं पाएगा, और नहीं आएगा तो डिपार्टमेंट फिर उसके स्टेटमेंट के बेस पे आपके केस में एडिशन नहीं कर सकता, दैट इज अ सेटल लॉ। इसके बाद कई व्हाट्सएप चैट डायरी डम्प डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ये सब चीजें हो चुकी हैं। एक कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जिसको सहारा डायरी नाम कहा जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि भैया किसी डायरी में किसी पेज पे कुछ लिखा हुआ मिल गया तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती जब तक आप उसको कॉरोबरेट नहीं करवा पाओ, तो ऐसे केस में कॉरोबरेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कॉमन कॉज के डिसीजन से आप अगर जो भी डायरी है उनकी बात कर रहा है उसको आप इसके बेस पे सबमिट करके रिपोर्ट कर सकते हैं। देन एक और डिसीजन आर्मी इंफोटेक का अहमदाबाद ट्राइब्यूनल का ही है जिसमें इनमें से कुछ पार्टीज का भी कंसिडर किया हुआ है। एक राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी को किसी व्यक्ति ने
55 लाख रुपए का डोनेशन असेसमेंट ईयर 13-14 में दिया और असेसमेंट ईयर 14-15 में इसी कौमी एकता पार्टी को 3 करोड़ का डोनेशन है और कुछ पार्टीज को डोनेशन है। तो ये जब डोनेशन दिए तो उसको एओ ने डिसअलाउ कर दिया, अपील की गई, सीआईटी अपील ने डिडक्शन अलाउ किया और अलाउ करते हुए सीआईटी अपील ने और आईटीएटी ने इसको कंफर्म करते हुए एक फाइंडिंग दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने गलत काम किया है तो आप इनकी इनकम को टैक्स लगाओ ना। असेसी के हाथ में क्या था? असेसी के हाथ में था कि आपके द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी को अगर डोनेशन दिया है तो एग्जेम्प्ट है। असेसी की कहां गलती है? असेसी ने डोनेशन दिया, असेसी के डोनेशन देने के बाद असेसी के पास जेन्युइन प्रूफ रिसिप्ट और चेक से डोनेशन दिया तो असेसी का काम यहां पर खत्म होता है। अब अगर लगता है कि इन पार्टियों ने बदमाशी करी है तो एओ को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन पार्टीज के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हुए इनकी इनकम पर टैक्स लगाना चाहिए। इसमें असेसी के हाथ में कुछ नहीं है, असेसी कुछ भी नहीं कर सकता। असेसी ने एक बार तीर कमान से निकल गया तो निकल गया, फिर असेसी के हाथ में कुछ भी नहीं बचता। तो देयरफॉर कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स नो डोनी विल बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डोनर फॉर अरेंजिंग इट समवेयर। देयरफॉर उन्होंने जो पॉलिटिकल डोनेशन का डिसलॉस था इसको डिलीट किया, अहमदाबाद ट्रिब्यूनल का डिसीजन है। हालांकि ये सर्च सर्वे होने के पहले का डिसीजन है और सर्च के बाद में जो एविडेंसेज हैं वो जो स्टेटमेंट है वो इसमें कंसिडर्ड नहीं है, बट स्टिल ये कई केसेस में जब लिटिगेट करेंगे तो ये यूजफुल होगा और एटलीस्ट पेनल्टी बचाने के लिए काम आ सकता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर इन सारे केसेस में अपील में मामला जाएगा, सीआईटी अपील में तो रिलीफ नहीं मिलेगी, जब आईटीटी में मामला जाएगा तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चांस है क्योंकि ये भी आईटीटी का डिसीजन है। और उन केसेस के बीच में अगर कोई अच्छी स्कीम आ जाती है एमनेस्टी स्कीम तो उस स्कीम में टैक्स भर के एसएससी बच सकता है और उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो जाए, तो दैट वुड बी अ विन विन पोजिशन फॉर एवरीबडी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लीगल पार्ट एंड हाउ टू ड्राफ्ट द रिप्लाईज एंड रिब्यूट दिस काइंड ऑफ नोटिसेस। अब आई थिंक आप लोगों से इंटरेक्शन भी किया जा सकता है, वी कैन डिस्कस एंड डील विद द क्वेरीज। ये प्रेजेंटेशन मैं जयपुर ब्रांच में शेयर कर दूंगा, फिर भी अगर किसी को नहीं मिले तो ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप मुझे व्हाट्सएप या मेल पे करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली शेयर द सेम विथ यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए पेशेंट हियरिंग। अब कुछ क्वेरीज जो चैट बॉक्स में दिख रही है पहले मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ एंड देन वी विल टेक ऑल द क्वेरीज, राइट सर? तो सर बिल्कुल जी, क्वेरी बॉक्स में ऑन द बेसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो बैंक स्टेटमेंट से उसने विड्रॉ किया होगा, वो अपने बैंक स्टेटमेंट में क्या करता है इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है और मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मुझे उसके बैंक स्टेटमेंट से विड्रॉ किया कुछ भी किया उसकी सजा मुझे नहीं मिल सकती। आर्मी इंफोटेक में जो अहमदाबाद ट्रिब्यूनल ने बोला कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने बैंक से बोगस एंट्री दी कुछ भी किया तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, मुझे नहीं मिल सकती, राइट? देन कैन 148 नोटिस बी इशूड टू अ डिसीज्ड पर्सन? बिल्कुल नहीं। गुजरात हाईकोर्ट के कई सारे डिसीजन आ गए जिनके एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस भी हो गई है, कमल वाही का दिल्ली हाईकोर्ट का भी डिसीजन है, कई सारे डिसीजन हैं ऐसे, एक मद्रास हाईकोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन है, उनमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिस दिन नोटिस आया उस दिन अगर एसएससी अलाइव नहीं है तो वो नोटिस इनवैलिड है, नॉन एस्ट है, किसी डिसीज के नाम पे नोटिस नहीं हो सकता। हाँ, जिस दिन नोटिस आया उस दिन व्यक्ति जीवित था, उसके बाद एक्सपायर हुआ तो फिर वो नोटिस लीगल हेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपने अगर नोटिस डिसीज के नाम पे दिया तो उसको लीगल हेयर के नाम पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको एक फ्रेश नोटिस देने की जरूरत है। नोटिफिकेशन, अभिनव जी की क्वेरी है, नोटिफिकेशन नंबर 18 इज रिलेटेड टू नोटिस अंडर 148A ऑल्सो और ओनली 148? मेरे इंटरप्रिटेशन में 148 के नोटिस पे एप्लीकेबल है, तो जब 148 का आएगा तो उसमें ये ऑब्जेक्शन हमको लेना चाहिए। सर फॉर करंट ईयर कैन बी क्लेम डोनेशन और टू अवॉइड? सर अवॉइड करना बेटर है, डोनेशन को क्लेम न करें वही बेटर रहेगा। देन व्हाट इफ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी करंट और प्रीवियस एक्सेप्टेड यू वाज इन्वॉल्व? तो भैया हमने प्रेसिडेंट को थोड़ी डोनेशन दिया, हमने तो उस पॉलिटिकल पार्टी को उसकी विचारा धारधार देखते हुए डोनेशन दिया था। अब उसका प्रेसिडेंट कोई बदमाश बन गया तो हम क्या कर सकते हैं? आज कई सारी अच्छी पार्टीज थी जिसमें बहुत अच्छे लीडर्स थे, बाद में कोई अगर दूसरा लीडर उसका बन गया या उतना सक्षम या नहीं है तो उसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारी श्रद्धा उस पार्टी के विचारधारा के साथ में है। किसी प्रेसिडेंट ने गलत काम किया उसको आप जेल में डालिए, जो करना है करें, पार्टी का में जो मैंने विचारधारा को देखते हुए डोनेशन किया है उसका कुछ भी नहीं कर सकते।
इन नोटिस दे डिडंट नेम एनी पार्टी नेम बट शेयर CIRIU रिपोर्ट. तो ये वेग नोटिस है और वेग नोटिस के बेस पे रीअसेसमेंट नहीं किया जा सकता. तो ये वेग नोटिस दिया है मतलब दिस इज नॉट टेनेबल. तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि नोटिस वेग है. आप एग्जैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ आइए. दिल्ली हाईकोर्ट का एक इंसेक्टिसाइड नाम का डिसीजन है प्राइवेट लिमिटेड, उसमें लिखा हुआ है कि वेग नोटिसेस नहीं दिए जा सकते, आपके नोटिसेस स्पेसिफिक होने चाहिए. वॉट अबाउट टाइम लिमिटेशन 149, 31 मार्च के पहले 148 ए का नोटिस अगर आपको दिया है असेसमेंट ईयर 19-20 का जो 50 लाख से कम है तो वो टाइम लिमिट के अंदर माना जाएगा. देन व्हाट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नोटिसेस, ये जो 7 सितंबर 2022 को सर्च हुई है इसमें जो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल गैदर हुआ है दैट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. बजट में फॉल्स एंट्री पर एक प्रोविजन आया था, क्या वो भी एप्लीकेबल होगा? देखिए फॉल्स एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई एंट्री है तो एप्लीकेबल होगा. ये तो आपने डोनेशन का डिडक्शन क्लेम किया है जो नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, तो वो पेनल्टी इसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए इन माय पर्सनल ओपिनियन. व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, देखिए प्रोसिक्यूशन के चांसेस तो डेफिनेटली हैं, पर एक पुराना प्रिंसिपल होता है कॉन्टेम्पोरानी एक्सपोज इश्यू. जब एक आदमी गलती करता है तो गलती करती है, पर जब पूरी भीड़ गलती करती है तो वो आंदोलन बन जाता है. तो इस तरीके से इतने ज्यादा संख्या में केसेस हैं कि प्रोसिक्यूशन के चांसेस कम है. प्रोसिक्यूशन वही होगा जहां पर डोनेशन 25 लाख से ज्यादा का है एक साल में. तो बोर्ड सर्कुलर ने ऐसे केसेस में कहा है कि जब 25 लाख से ज्यादा का हो तो फिर प्रोसिक्यूशन लॉन्च होना चाहिए. तो देयरफॉर प्रोसिक्यूशन के चांसेस मुझे पर्सनली कम लगते हैं, बट अगर बड़ा अमाउंट है तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता. प्लीज गिव नेम ऑफ लास्ट केस लॉ कौमी एकता वाला. इस प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है आर्मी इंफोटेक का डिसीजन है जो अहमदाबाद ट्राइब्यूनल का डिसीजन है, taxman.com पे रिपोर्टेड भी है. व्हाट इफ असेसी नॉट फाइल्ड रिटर्न आफ्टर डोनेटिंग, रिटर्न ही अगर हमने फाइल नहीं किया तो हमने डिडक्शन क्लेम नहीं किया तो नो न्यूज नो प्रॉब्लम मोर. तो इसलिए अगर डिडक्शन क्लेम नहीं किया तो अभी हम 148 में जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे. तो जब हमने डिडक्शन क्लेम ही नहीं किया तो देर इज नो इनकम विच इज एस्केप्ड असेसमेंट, तो ऐसे केस में 148 हो ही नहीं सकता. तो आप जवाब दे दें कि भैया हमने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था तो बोगस डोनेशन का कोई सवाल ही नहीं आता है. सो देयरफॉर इट वाज अ टैक्स न्यूट्रल एक्ट, एंड टैक्स न्यूट्रल एक्ट है तो वो ऐसे केस में इट वॉज नियरली एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम. तो रियल इनकम थ्योरी के हिसाब से नो 148 कैन बी डन. इफ वी गिव डोनेशन टू अदर देन 23 पॉलिटिकल पार्टीज कैन वी टेक डिडक्शन, हनी गोयल जी का बहुत ज्वलंत प्रश्न है. देखिए अगर 23 पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है और आप उन पॉलिटिकल पार्टी के संपर्क में तो उनसे पूछ लीजिए कि आपके यहाँ कोई सर्च सर्वे एक्शन तो नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ है और आगे उनको लगता है कि नहीं होगा तो फिर अपने विवेक से क्लाइंट कॉल ले सकता है. देन प्रदीप मारवाल जी का क्वेरी है व्हाट वी कैन डू इफ क्लाइंट ऑलरेडी एक्सेप्टेड बिफोर असेसिंग ऑफिसर दैट CA टोल्ड मी टू डू दैट. तो सर सबसे पहले तो एक एफिडेविट हम बनाए कि भैया ये हमने कहीं भी उसको इस तरीके का नहीं किया, CA का नाम इसमें नहीं आना चाहिए. क्लाइंट ने अगर कुछ बोला है तो क्लाइंट के ऊपर पेनल्टी लगेगी. हम एक डिनाइल फाइल करते हैं डेफिनेटली अगर हमारे पास कोई करेस्पॉन्डेंस आता है और क्लाइंट का क्रॉस एग्जामिनेशन करें अगर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन आता है तो. बाकी अदरवाइज क्लाइंट ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो भुगते सर, उसके अंदर हमारा कोई एस्पेक्ट नहीं, क्लाइंट ने दिया है, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी भी क्लाइंट है. तो अगर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो वी हैव टू स्ट्रांगली रिब्यूट इट. If I filed revised return and excluded 80GGC, then AO raised demand notice with interest. If I paid demand notice amount with interest, its penalty can be. Sir, देखिए 148 के response में आप return में अगर deduction disallow करेंगे तो भी penalty fightable है, पर penalty AO तो 200% misreporting की लगाएगा ही लगाएगा. हम किसी भी संशय या भ्रम में ना रहें, penalty AO तो लगाएगा, फिर वो appeal में जरूर छूटने के chances इसके हो सकते हैं. बट अगर हमने क्वांटम ही लड़ते रहे और कोई एमनेस्टी स्कीम आ गई तो फिर पेनल्टी बचने के पूरे चांसेस हैं. शुड एफिडेविट बी एग्जीक्यूटेड स्टेटिंग ही हैज नॉट रिसीव्ड कैश बैक, यस दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन मेनी केसेस. कि अगर एफिडेविट फाइल कर दिया कि भैया हमको कोई कैश वापस नहीं मिला है तो वो डेफिनेटली यूजफुल हमारे केस में सपोर्ट करेगा. आई हैव डोनेटेड फॉर दिस ईयर ऑल्सो एंड पॉलिटिकल पार्टी नेम इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ 23 पार्टीज विच इनकम टैक्स हैज प्रोवाइडेड. तो ऐसे केसेस के अंदर सर देखिए अगर आपका डोनेशन जेन्युइन है और उसके अगेंस्ट में कोई इस तरीके के इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है तो आप कंसीडर कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपने जेन्युइन डोनेशन किया है तो बिल्कुल क्लेम करें. देन
If we paid for FY 2021 and 21-22, so what is suggested? अगर आप 2021 या 21-22 में ऑफर कर देते हैं और इस बार लिटिगेट कर रहे हैं तो उस केस में एवरी असेसमेंट ईयर इज अ सेपरेट असेसमेंट ईयर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है करतार सिंह का, तो डिपार्टमेंट जरूर ये बोलेगा बट स्टिल इट इज अ रिपीटेबल प्रिजम्पशन कि आपने कुछ साल में एक्सेप्ट कर लिया तो हम बोल सकते हैं कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे को लिटिगेशन कॉस्ट नहीं पोसा रही थी उन सालों में इसलिए हमने ऑफर कर दिया, बाकी हमारा क्लेम जेन्युइन है, हमने 148 ए के रिस्पांस में भी इसको हमने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, रिस्पांस में हम कहते हैं कि हम ये स्वीकार करें ये जेन्युइन क्लेम है हमारा, जेन्युइन डोनेशन है, पर हमको लिटिगेशन कॉस्ट नहीं बियर करनी थी इसलिए हमने उन सालों में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है। देन प्लीज गिव नेम ऑफ लास्ट केस लॉ, या ये जो है पहले आ गए शायद लास्ट में आ जाए, केस लॉ का नाम आर्मी इन्फोटेक है, कॉपी इसमें प्रेजेंटेशन में रहेगी। Can you ask for assessee's wife bank account statement? आप मत दें, assessee की wife का bank account statement हमारे केस से कैसे related है? So that he technically should not ask it. What if amount of donation is different than actual amount of donation? हम बता दें कि incorrect information का केस है, सागर enterprises गुजरात हाई कोर्ट का जो decision है उसको cite करें तो उसके बेस पे हमको आगे help मिल सकती है। Cross examination, can you give more highlight on cross examination of false allegation? देखिए आपका जयपुर ट्राइब्यूनल का एक सुनीता ढड्डा का केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक अपील हुआ है, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कई सारी चीजें आती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है किस तरीके से करना, बट हमको मांगना जरूर चाहिए, अगर असिस्टिंग ऑफिसर वो प्रोवाइड करवा पाता है तो फिर उसके लिए हमको तैयारी रखनी है, बट 90% केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन अवेलेबल नहीं हो पाता है। Assessee received the notice but donation was paid to some other political party. Again, Sagar Enterprises का decision है कि गलत reason के base पे आपने case reopen किया है तो वो valid नहीं है, आप गुजरात High Court के Sagar Enterprise के decision को rely कर सकते हैं। How to ask appraisal memo from AO that he took a proper, हम मांगे assessing officer की जिम्मेदारी ये सब चीजें देने की, आज हमारे case से related हम कोई भी relevant information मांग लेते हैं। Can we have the PPT shared here? We will download from here only. Let me see if it is possible. I'll try. Why cash deposit in post event is to be checked for next 5 days only? देखिए, अगर मेरे पास कैश आ गया और मुझे कैश नहीं रखना तो मैं 5 दिन में जमा करूंगा, उसके बाद अगर जमा किया तो AO के लिए बोलना मुश्किल है कि ये कैश वही है जो हमको वापस मिला है, अरे मेरे पास में पड़ा था कहीं और से आया वो मैंने जमा किया है। तो अगर क्या होता है नॉर्मली आदमी के पास जैसे ही कैश आता है वो तुरंत जमा कर देता है, तो अगर 5 दिन में नहीं है तो एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन असेसी के फेवर में बन सकता है। देन इफ अपडेटेड रिटर्न फॉर 21-22 देन कैन डिपार्टमेंट से नहीं एवरी असेसमेंट ईयर इज अ सेपरेट असेसमेंट ईयर, तो वो प्ली हम ले सकते हैं अगर असेसिंग ऑफिसर ऐसा कुछ बोलता है तो। इफ डोनेशन मेड इन अदर देन 23 RUPP, अगर जेन्युइन डोनेशन है तो क्लेम करें, नहीं है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें। कैन वी हैव रिकॉर्डेड सेशंस, वो जयपुर ब्रांच चेयरमैन साहब आपको बेटर बता पाएंगे। If we contest validity of notice to deceased person, can notice be issued to legal heir? नया नोटिस अब 19-20 के लिए तो नहीं आ सकता, आपको सब्सिक्वेंट ईयर में आ सकता है, 19-20 के लिए टाइम लिमिट खत्म हो गई है, तो अब नया नोटिस देना उसके लिए 19-20 का 50 लाख से कम में पॉसिबल नहीं है। कैन वी मैंशन ऑब्जेक्ट एंड विजन ऑफ पार्टी, बिल्कुल मैंशन करना ही चाहिए, अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो फिर क्या सोर्सेज रहेंगे, किसी को कुछ नहीं मिला तो हर केस में किसी को कुछ नहीं मिला है सर, क्लेम तो यही रहेगा, हम एफिडेविट फाइल कर दें कि हमको कुछ भी नहीं मिला असेसी को। हैव रिसीव्ड द नोटिस बाय आई डोनेटेड टू पार्टी व्हिच इज नॉट इन 23 पार्टीज, तो आप लिख दें कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है और उनके पास तो 23 इंफॉर्मेशन का ही स्टेटमेंट है, अगर ये 23 में नहीं है तो आपकी जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को जो डोनेशन है उसकी रिसिप्ट और बैंक स्टेटमेंट के बेस पे उसको आपको डिडक्शन अलाउ करना चाहिए। Should we ask client to file updated return if amount is up to 1,20,000 to 23? Yes, it is advisable. If no 148 day received 263 cannot be reopened, can we consider that assessment cannot be reopened for 1920? Yes, it cannot be reopened. If I have not received notice for 18 days, will they give me notice in any other section for donation? देखिए 148 में नहीं मिला तो फिर आपको किसी और section में notice नहीं दिया जा सकता। राइट सर, आई थिंक ऑल द क्वेरीज आर देयर, और कोई क्वेरी लगती हो अनिल भाई, अंकुर जी, विष्णु जी तो बता दें, वी कैन आई एम अवेलेबल। सर कुछ लोगों के सर एक तो रेज हैंड है पंकज जी, तो अंकुर जी मैं कहूंगा एक बार जिनके रेज हैंड है अगर उनकी क्वेरी, सर क्वेरी और सेशन में से ले ली क्या हमने पंकज जी, चैट के अलावा?
आई एम अवेलेबल, आई एम फाइन. एक यहाँ सर, ये जो क्वेरी सेशन में भी कुछ क्वेरी है, मतलब चैट में तो है ही है पंकज जी, और ये क्वेरी क्वेश्चन है उसमें भी है, क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर. अच्छा, जस्ट अ मिनट. ओके, 31 पेजेस में भी दिख रही है. लेट मी सी, कुछ तो कवर कर ली, कुछ जो रह गई वही कर. इन द नोटिस दे डिडंट नेम मेंशन ऑफ पार्टी बट रिजेक्ट सीआईआई रिपोर्ट. तो वेग नोटिस है, इंसेक्टिसाइड्स का दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है कि आप जो है कुछ भी हवा में बातें नहीं कर सकते. अगर आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो नोटिस आपका प्रॉपर नहीं है. व्हाट इफ प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी करंट और प्रीवियस एक्सेप्टेड, तो वो जिसने एक्सेप्ट किया उससे आप लो, हमने तो जेन्युइन पार्टी के ऑब्जेक्ट को देख के डोनेशन दिया था, अगर उसने गलत काम किया है तो उसको पकड़ो. डू वी नीड टू अप्लाई डिडक्शन फॉर कमिंग आईटीआर. ठीक है, आपको जो मैंने अभी तक कॉन्टेक्स्ट में बताया उस हिसाब से डिसीजन लेना है कि अभी जो आईटीआर है उसमें क्लेम करें या ना करें. अगर आपको लगता है आपकी चीज जेन्युइन है, इन 23 पार्टियों में नहीं है, तो क्लेम करें. अगर जेन्युइन है फिर भी ये 23 पार्टियों में है तो अवॉइड करें क्लेम करना. व्हाट्सएप चैट वेदर परमिसिबल इन कोर्ट. देखिए, एविडेंस तो है बट देन हम फाइट करेंगे. सहारा डायरीज का जो केस है कॉमन कॉज का, उसको साइड करके कहेंगे कि व्हाट्सएप चैट और ये जो है हमसे थोड़ी है, किसी व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति से चैट किया है तो उसमें हम क्या जाने, हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अस, तो उसकी सजा हमको नहीं मिल सकती. पंकज शर्मा जी ग्वालियर ब्रांच के सेक्रेटरी भी जुड़े हैं, उनकी क्वेरी है सर, व्हाट टू डू व्हेन डोनेशन गिवन टू ट्रस्ट एंड वेयर 10% ऑफ जो टोटल इनकम हैज बीन क्लेम्ड अंडर 80G बट सर्च हैज हैपेंड एट ऑफिस ऑफ कॉमन पर्सन, ही हैज नेक्सस विद पॉलिटिकल पार्टी, वी ऑफर इट और गो इनटू लिटिगेशन. देखिए सर, इसमें केस टू केस डिपेंड करेगा कि क्या एविडेंसेस मिले हैं, क्या असेसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, उस बेस पे डिसीजन लेना पड़ेगा. जो मैंने अभी तक आपको चीजें बताई हैं उस बेस पे आप कंसीडर कर सकते हैं. और पंकज जी तो अपन पर्सनली डिस्कस कर ही सकते हैं, पंकज पंकज है तो. देन एनी डोनेशन मेड टू पार्टी विल रिफ्लेक्ट इन AIS और PAN. नहीं, ये AIS में इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि पार्टी का ना पैन नंबर, ये पार्टी के ऊपर अभी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है. तो और ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पार्टी के ऊपर अगर लागू कर दी जाती है तो समस्या ये होगी कि सीक्रेसी का हनन हो जाएगा कि भैया मैं इस पार्टी का फॉलोवर या उस पार्टी का फॉलोवर हूँ. इसलिए ये चीज अभी सरकार लाए ऐसी मुश्किल है. AIS TIS में या PAN में दिखने की संभावना है कम है. इज देयर एनी रिस्क फॉर डोनेशन गिवन आफ्टर 1920. अगर उनको जानकारी मिली है तो रिस्क है, और अगर चीज जेन्युइन नहीं है तो रिस्क हमेशा है, और जेन्युइन है तो फिर सांच पांच कहां. फॉर AY 22-23 शुड वी सजेस्ट क्लाइंट विद डोनेशन अप टू ITRU. अगर क्लाइंट को कहीं भी संशय है तो ITRU करके शांति पालें. कई बार ये होता था कि यार हम रिटर्न में ऑफर कर देंगे टू बाय पीस तो क्या होगा. तो मैक डेटा का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया था जिसमें कहा था टू बाय पीस अवॉइड लिटिगेशन, बोले ये सब फालतू बातें हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है तो वो टू बाय पीस बोले या कुछ भी बोले उसको पेनल्टी लगेगी. ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और उसमें जवाब प्रॉपर नहीं दिए गए थे. अगर ढंग से जवाब दे तो हम उसको फिर भी कंटेस्ट कर सकते हैं. देन 1920 के नोटिस आए हैं, क्या इनके बेस पे 18-19 से असेसमेंट भी रीओपन हो सकता है. नहीं, अगर 50 लाख से कम है तो वो नहीं हो सकता. 19-20 के अभी टाइम गया, अगले नोटिस 20-21 के ही आएंगे आपको 50 लाख के कम के. देन मेहरवाल जी दिख रहे हैं जयपुर से, नमस्कार मेहरवाल जी. इनकी क्वेरी है फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न में प्रिजुडाइज अर्लियर ईयर. सर, करतार सिंह का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है कि एवरी असेसमेंट ईयर इज अ सेपरेट असेसमेंट ईयर. ये पोजीशन ले सकते हैं, पर बाकी डिपार्टमेंट जरूर ये आर्ग्यूमेंट ले सकता है कि आपने आगे वाले सालों में कर दिए, तो असेसी को सारी चीजें को देखभाल के लेके फिर अपना कॉल लेना चाहिए कि क्या किया जाए. नोटिस अंडर 148 हैज बीन इशूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ रिप्लाई अंडर 148A का टाइम. तो आप लिख सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन है, तो उसके भी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आप ले सकते हैं, बट आपको टाइम जो है कम दिया. अगर तो नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन है, 10 बॉक्स का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है, उसके बेस पे एक स्ट्रॉन्ग सबमिशन आप दे सकते हैं. व्हाट इफ द अमाउंट इन नोटिस इज डिफरेंट एन एक्चुअल. सागर एंटरप्राइजेस गुजरात हाईकोर्ट डिसीजन की आपने गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे केस रीओपन किया है. इज इट द फर्स्ट टाइम दीज नोटिसेस आर रिसीव्ड, इफ नॉट हाउ मच पेनल्टीज आर लेविड फॉर पास्ट नोटिसेस. पिछले साल भी कुछ नोटिसेस इश्यू हुए थे 3 पार्टीज के केस में, जिनके केसेस में असेसमेंट तो हुए हैं, अभी ऑर्डर आए हैं और हमने अपील फाइल करी है, पर पेनल्टी अभी तक किसी भी केस में लगने नहीं दी हमने. अपील फाइल है, अबेंस के अंदर है वो सारी चीजें. व्हाट इफ असेसी नॉट फाइल रिटर्न. रिटर्न फाइल नहीं किया तो जो है, जब मैंने कुछ खाया ही नहीं तो मुझे सजा किस बात की. तो अगर मैंने क्लेम ही नहीं किया
पेनल्टी गलत क्लेम करने की अगर क्लेम ही नहीं किया तो फिर पेनल्टी का कोई कॉज ही नहीं बनता। इफ नोटिस मेंशन एनक्लोजर मेंशन इन नोटिस और नो एनक्लोजर, तो आप कह दें कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, आपका नोटिस डिफेक्टिव, उसमें जो लिखा है वो साथ में नहीं मिला, डिफेक्टिव नोटिस है। इफ पर्सन डोनेट एवरी ईयर टू पॉलिटिकल पार्टी देन दिस ईयर कैन क्लेम डोनेशन, हर साल डोनेशन किया है सही है तो आप कर लें, कहीं भी आपको संशय लगता है तो फिर एसएससी का रिस्क एपेटाइट देखते हुए कॉल लेना पड़ेगा। सर अगर 148 में टैक्स इंटरेस्ट पे कर दिया तो पेनल्टी से बचा जा सकता है क्या? देखिए पेनल्टी एओ लगाएगा, हमको अपील में ही उससे मुक्ति मिल सकती है। हाउ टू नो नोटिस हैज बीन इश्यूड बाय जाओ और फाओ, तो नोटिस के नीचे अगर किसी का नाम लिखा है तो वो जाओ है, नाम नहीं लिखा तो फाओ है। इज इट नॉट एडवाइजेबल टू क्लेम डिडक्शन, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल, इट इज नॉट एडवाइजेबल यस सर टू क्लेम डिडक्शन फॉर दिस ईयर, अगर कहीं भी डोनेशन में संशय की स्थिति है तो। वेदर एनी चांस टू ओपन केस 18-19 ड्यू टू दिस नोटिसेस, नहीं, अगर 50 लाख से कम है तो फिर 18-19 नहीं खुल सकता, ये चीज क्लियर है। नोटिस एडजर्नमेंट बिल्कुल मांग सकते हैं और आप मांगेंगे तो असिस्टिंग ऑफिसर आपको दे सकता है क्योंकि उसको कोई प्रेजुडाइज नहीं हो रहा, आपको जितना टाइम देगा उतना उसका टाइम लिमिट आगे बढ़ जाएगी। हाउ डिपार्टमेंट कैन प्रूव बोगस डोनेशन, वो रिपोर्ट लिखी है उसमें सब कुछ लिखा है, उस बेस पे डिपार्टमेंट आर्ग्यू करेगा। इफ वी आर एडमिटेड फॉर 1920 व्हाट इज द चांसेस एओ कैन अगेन रीओपन द केस इन नेक्स्ट ईयर, देखिए आजकल जो रीओपनिंग होती है वो एओ नहीं करता, सीबीडीटी का रिस्क मैट्रिक्स के बेस पे होता है, तो अगर अगले सालों में सेम इंफॉर्मेशन उनके पास है तो ही रीओपनिंग होगी, अदरवाइज बिना इंफॉर्मेशन के रीओपनिंग अब नहीं हो सकती। कौमी एकता वाला केस लॉ वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, आर्मी इन्फोटेक अहमदाबाद ट्राइब्यूनल का केस लॉ है, इसका अगर आपको साइटेशन चाहिए तो मैं साइटेशन वापस रिपीट कर देता हूँ, ACIT वर्सेस आर्मी इन्फोटेक 2022 136 taxman.com 128। देन डू वी नीड टू अप्लाई डिडक्शन फॉर कमिंग ITR, अगेन वही सवाल है, हमें जो है देख के अपना कॉल लेना है अपने फैक्ट्स और उन सब चीजों को देखते हुए। देन जाओ हैज इशूड नोटिस इंस्टेड ऑफ फाओ, व्हाट टू डू सर, बढ़िया है हम चैलेंज करें सर्कुलर नोटिफिकेशन नंबर 18 डेटेड 29 मार्च 2022 को फॉलो करें कि आपका नोटिस इनवैलिड है। वेयर इज द लिस्ट ऑफ 23 पॉलिटिकल पार्टीज, गूगल कर ले, गूगल पे भी मिल जाएगी सर, कई सारे पेपरों में भी छप गई अब तो। कैन दे हैव द कंप्लीट लिस्ट ट्रेल ऑफ कैश मूवमेंट एज अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव, तो कंप्लीट तो सबको मिला नहीं, कुछ कुछ लेवल तक मिला है, तो वहां तक मिला है तो हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। Consequences on tax professional in case of acceptance by SAC at any level of litigation, department और जो professional bodies हैं वो action लेगी ऐसे cases में, हमें तो ये कहना है कि ये झूठ बोल रहा है भाई और हमको अपना affidavit दे सकते हैं इसके अंदर, उसके बाद में क्या clinching evidences हैं, उन सब चीजों के ऊपर हमारा case decide होगा। I have received a notice for FY 18-19 today फॉर डोनेशन, आपको 148 ए का नोटिस मिला है या 148 का मिला है? अगर 148 ए का नोटिस मिला है तो वो नोटिस इनवैलिड है, पर 148 का नोटिस मिला है तो आप देखिएगा 148 ए का नोटिस पहले आपको मिला होगा, इसलिए वो टाइम बार नहीं होगा। तो राइट सर, मेरे ख्याल से सारी क्वेरीज पूरी हो गई है, इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आई एम अवेलेबल। हेलो जी, हेलो सर, अनिल सर, ये संतोष जी और दीपक जी को आपने वो कर दिया परमिशन दे दी, वो खुद अनिल कर दिया। अच्छा संतोष जी और दीपक जी, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अभी म्यूट के ऊपर हैं, अनम्यूट करके आप सर आप पूछ सकते हैं। आगे दीपक जी, आगे। सर मेरा पॉइंट ये है कि नेक्स्ट टाइम जब डोनेशन करे तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की ओर जा सकते हैं, मतलब यदि छोटी पार्टी कट करे तो। देखिए जेन्युइन डोनेशन करना है तो आप करें, अच्छी पार्टियां जेन्युइन जो आपको राष्ट्र विकास के अंदर जो भागीदार हैं ऐसी अगर पार्टी लगती है तो जेन्युइन डोनेशन करना है तो उसके लिए कभी मनाही नहीं है। सही सही होता है, गलत गलत होता है, अपने अंतरात्मा से पूछे सही हो तो करें, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करें। ये डिग्री बड़ी मुश्किल से मिली है भाई। ओके थैंक यू सर। हेलो, हाँ शुभम जी, आप म्यूट के ऊपर चले गए वापस। सर माय क्वेरी ऑलरेडी हैज बीन रिजॉल्वड, ऑलरेडी एड्रेस कर दी सर ने। ओके थैंक यू। राजेश पारिक जी,
और संतोष जी अगर आपकी हेलो नरेंद्र जैन जी आप सुन रहे हो हाँ सर सर गुड इवनिंग सर नमस्कार सर हमारे एक यूनिक केस है कि जिसमें गुंडेज 20 का नोटिस नहीं आया लेकिन 21 22 और 22 23 में उन पार्टियों का नाम भी नहीं है लेकिन एसएससी कह रहा है कि भाई इसमें आईटीआर यू फाइल कर दें तो सर ये बेटर अप्रोच रहेगी क्या सर देखिए टैक्स इज अ कॉस्ट टू सिविलाइजेशन टैक्स जितना देंगे उतना देश का विकास ही होगा नहीं तो आईटीआर यू को मतलब वो गलत इंटरफेयर तो नहीं होगा कि यार तुम्हारे तो नए तो नोटिस आया था और नए तुमने इन 23 पार्टियों में दिया तो फिर अब तुमने क्यों आईटीआर यू फाइल किया सर हमारी मर्जी हमको टैक्स भरना है ज्यादा भरना है कम भरना है जो भी करना है हमको लगा कि हमको ध्यान देना है पर नेकी कर दरिया में डाल का प्रवचन सुन के आए हम तो इसलिए हमने दरिया में डाल दिया आईटीआर यू फाइल करके हाँ तो उसमें कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बस यही सर हम लिखेंगे ना जब हमको ऐसा सवाल पूछा जाएगा हम लिखेंगे कि हम नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत से प्रभावित होके हमने देखिए एवरी असेसमेंट ईयर इज अ सेपरेट असेसमेंट ईयर करतार सिंह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कई सारे केस लॉज हैं तो आप एक असेसमेंट ईयर के अंदर हमने आईटीआर यू फाइल कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका एडवर्स इन्फ्लुएंस निकाले पुराने किसी साल में ठीक है सर थैंक यू एक पुराना केस लॉ है सर शादीराम शुगर मिल्स का हां शादीराम सुप्रीम कोर्ट देयर में भी 101 रीजंस कुछ करने के इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मर्जी से कोई भी रीजन ले लो ठीक है सर थैंक यू सर एनीवन शिवम या गुड इवनिंग पंकज जी जो नोटिस आया है वो 148 ए के अंदर आया है और नोटिस में ये बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो कॉज एज टू व्हाई नोटिस अंडर 148 शुड नॉट बी इशूड सही है जी तो ये वैलिड है नोटिस आप बोल रहे हैं क्योंकि 148 में आना चाहिए नोटिस आएगा सर बिल्कुल वैलिड है ओके ठीक है अब सर वो मैं ही पूछ रहा था डिसीज का केस तो सर वो क्लियर है कि लीगल हेयर को यानी मुझे इशू नहीं कर सकते वो अब यानी दिसंबर में एक्सपायर हो गए फादर को अब नहीं कर सकते ठीक है थैंक यू सर आकांक्षा मोदी जी हेलो आकांक्षा मोदी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सैलरी का कितना परसेंटेज वी कैन डू डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी 100% भी कर सकते हैं आप जीजीसी में कोई लिमिट नहीं है बट सर लाइक सब ये बताते हैं कि यू कैन आल्सो हैव नोटिसेस इफ यू डू डोनेशन मोर देन 10% ऑफ योर सैलरी तो 80 जी में लिमिट है 80 जीजीसी में कोई लिमिट नहीं है ओके मींस अगर लाइक इफ समबडी हैव 30 लाख सैलरी देन 30% अप टू 30% इफ दे वांट टू डोनेट तो वो डोनेशन कर सकते हैं सर देखो डोनेट करना है मैडम तो टैक्स भर दो डोनेशन वोनेशन किसी पार्टी को करके क्या करेंगे बिजनेसमैन लोगों को करने दो सैलरी डेफिनेटली डोनेट करें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये मेरा पर्सनल व्यू है बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर 80 जीजीसी का डिडक्शन क्लेम करने के लिए कोई लिमिट नहीं है बट सर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्वेश्चन था लाइक नोटिस आने के चांसेस होते हैं क्या और उसके अगर नोटिस आता है देन इन दैट केस वी हैव ओनली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आटे में नमक फिर भी जो है खा सकते हैं नमक में आटा नहीं चलता जब ये नमक कितना हो और आटा कितना हो ये हमारा एक कॉल होगा सब्जेक्टिव थैंक यू सर थैंक यू सर मेरा एक क्वेश्चन था अपने पास अगर नोटिस जेओ से आया है और अगर वो नोटिस अगर जेओ से आया तो डिस्क्वालिफाइड है तो वापस 1920 का रीइशू कर सकते हैं क्या अब अगर अपन ये बोलते हैं कि ये नोटिस तो जाओ वाला नोटिस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे हमको फाइट करना है और हम फाइट करेंगे तो आगे किसी लेवल पे सक्सेस हमको मिलेगी ओके एंड टू समराइज विद अभी अपनी अप्रोच क्या रहनी चाहिए बिकॉज अगर अपन अभी एक्सेप्ट करते हैं तो क्या मतलब एक्सेप्ट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर अपने को उसको फाइट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है फॉर 1920 अमाउंट कितना है इन्वॉल्वड है आपको फीस अमाउंट मेजर मेजर पोर्शन नहीं है फॉर द अगर अपन इन टर्म्स ऑफ सैलरी बात करें तो मेजर पोर्शन नहीं है सैलरी का अराउंड 10% ऑफ सैलरी दोनों कैलकुलेशन रख दें कि अगर अभी भरते हो तो ये पोजीशन और लिटिगेशन करते हो तो इतने सालों में ये चीज बढ़ जाएगी और पेनल्टी बचने की संभावना स्कीम के अंतर्गत है
बाकी डिसीजन एसएससी को लेने दें, हम सलाहकार हैं सर, हम जो है निर्णायक नहीं है इसमें। और ऐसे केसेस में एमएनएसटी स्कीम आने के चांसेस कितने रहते हैं? मतलब आई बिलीव कि ये मोस्टली एमएनएसटी स्कीम आती होगी बिकॉज ये ज्यादा मतलब बहुत इशू है नोटिसेस। देखिए कोई ना कोई एमनेस्टी स्कीम हर 5-7 साल में आई जाती है, तो तब तक अगर हम केस खींच लेते हैं अच्छे से, और अभी देखिए अगला साल चुनावी साल है, अब बहुत सारे कयास लगाने के लिए जो है हम अपने को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। जीएसटी में अभी एमनेस्टी स्कीम आई है और 8 लाख अपीलें पेंडिंग है, सीआईटी अपील में डिस्पोजल नहीं हो रहा, तो चांसेस ये भी है कि एक और एमनेस्टी स्कीम ला के सरकार थोड़ा सा लिटिगेशन कम करना चाहे। सरकार तो चाहती है कि लिटिगेशन कम हो, और इस केस से ये जो केसेस हैं डोनेशन वाले इसमें नोटिसेस बहुत ज्यादा इशू हुए हैं, तो हो सकता है सरकार इन सब के लिए सैलरी आम आदमी के लिए कुछ लेके आ जाए। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, टू क्वेश्चंस। वन इज ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर वर्सेस फेसलेस असेसिंग ऑफिसर वाला जो ग्राउंड है, कैन वी टेक इवन फॉर 148 ए नोटिस, बिकॉज़ असेसिंग ऑफिसर टर्म यूज किया है व्हाइल इंस्ट्रक्शन से इज 148, बट द टर्म यूज्ड इन 48 ए इज आल्सो असेसिंग ऑफिसर। देखिए आप पहले बता देंगे और 148 का नोटिस अगर फाओ से दिलवा दिया उसने, तो वो फिर अपना ग्राउंड ही कमजोर करना हो जाएगा। वो पहले ऑर्डर देगा और फिर 148 का नोटिस देगा, विच हैज टू बी इश्यूड विद इन 7 days एज पर फोर्थ प्रोवाइजो। तो जब तक 148 का नोटिस नहीं आता तब तक हम टाइम बारिंग वाली प्ली नहीं ले सकेंगे ना? नहीं ले सकते। 148 का जो नोटिस आएगा आपका, आपका अगर 148 31 मार्च तक हो गया तो फिर वो टाइम बारिंग वाली प्ली आपके लिए वैलिड नहीं रहेगी। इवन इफ आफ्टर 7 डेज जो एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है, लेट्स से उसने बाय चांस 10th डे पे अगर इशू किया, टाइम अलाउ किया है जिस महीने तक, सपोज फॉर एग्जांपल 31 मार्च को नोटिस है 7 अप्रैल तक जवाब देना है, तो अप्रैल 30th अप्रैल से एक महीने के अंदर जो है 148 का नोटिस और ऑर्डर के लिए टाइम लिमिट लॉ परमिट करता है उसको, तो इससे टाइम बारिंग वाला नहीं है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर जी। हेलो आवाज आ रही है? तो सर 148 ए का फर्स्ट प्रोविजन बोलता है कि 132 में सर्च जो इनिशिएट हुई है 1 अप्रैल 2021 के बाद, उससे रिलेटेड कोई भी 148 ए नोटिस इशू नहीं किया जा सकता, तो वो एड कर सकते हैं? उससे 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी सर्च हुई है उनमें 148 ही इशू किया जाएगा। अब वो जो 153 सी पहले हुआ करता था, 153 हुआ करता था, वो इशू नहीं होंगे। 1 अप्रैल 21 के बाद अगर सर्च हुई है, जो इन केसेस में 7 सितंबर 22 में हुई है, तो उसमें 148 ही इशू होगा। 148 और 148 इशू कराएंगे। प्रोविजो तो ये बोल रहा है ना कि 148 ए शैल नॉट अप्लाई, 148 ए शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ सर्च पार्टीज। उन पॉलिटिकल पार्टी के केस में 148 दिया जाएगा। okay. और आपको थर्ड पार्टी दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को। ओके ओके ओके, थैंक यू जी। एनी और कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो, आई थिंक पूरे कवर हो गया। अगर किसी का हो तो प्लीज रेज हैंड करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं। अभी हमने पंकज जी से 7 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, खैर इनको जाना है, फिर भी अगर कोई ऐसा जो कवर हो चुका है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसको रिपीट ना करें। जीवे जी आप पूछिए सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, 29 मार्च को नोटिस इशू हुआ है 148 ए और उन्होंने टाइम दिया है 3 अप्रैल तक का, तो क्या इसमें हम रीजनेबल टाइम दिया गया नहीं दिया गया इस पे कुछ प्ली ले सकते? 7 दिन का टाइम देना चाहिए, उन्होंने आपको 7 दिन का टाइम नहीं दिया है, तो आप डेफिनेटली टिन बॉक्स का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, उसको चैलेंज कर दे, पर आपके पास टाइम है ना अभी? सर 3rd को एक्सपायर हो गया वो टाइम, तो एक्सपायर हो गया। और आपको अगर 148 आता है तो आप डेफिनेटली कि आपका नोटिस इनवैलिड है, क्योंकि लॉ आपको 7 दिन का नोटिस देने मिनिमम टाइम देने का बोलता है और आपने नहीं दिया,
तो आपका नोटिस इनवैलिड है, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट टिन बॉक्स एंड डिसीजन को साइड कर सकते हैं। 140 नेचुरल जस्टिस, ओके 148 के रिप्लाई में हम ये सबमिट करें। जी बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी जो सर्च पॉलिटिकल पार्टीज के प्रीमाइसेस पे हुआ है, अभी लॉ में तो ये लिखा है कि हम डोनेशन दे सकते हैं, अभी उन्हें वो पर्पस के लिए यूज करा नहीं करा, उससे हमारा क्या रिक्वायरमेंट रहेगा? मैं एज एन असेसी कैसे चेक कर सकता हूँ ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ है? तो ये एक स्टैंड लिया जा सकता है क्या सर रिप्लाई में? आपको केवल उनको इतना समझाना पड़ेगा कि आपने इसी पार्टी को डोनेशन क्यों दिया। इसका अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब आप दे देते हैं तो ऊपर तक आपको सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। आप कैसे इस पार्टी से प्रभावित हो गए कि इतने लाखों रुपए आपने इस पार्टी को दे दिए? ओके, और सर मतलब अगर वो ट्रेस करके नहीं बता सकते कि हमारे पास पैसा कैसे रिटर्न आया या एक बोगस डोनेशन है, तो वो फिर इसको बोगस कैसे ट्रीट कर सकते हैं? मतलब अगर मैंने मेरा जेन्युइन डोनेशन है, क्योंकि आपने जिसको डोनेशन दिया उसने बोल दिया कि मैं बोगस डोनेशन ही लेता हूं और मैंने लोगों को नगद चुका दिए, ओके ये बयान को यूज करेंगे, फिर आपको बोलना है कि मैं इसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूं। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो हेलो, हां यू जी, हाँ सर, मेरे पास में मतलब डिपार्टमेंट की एओ की साइड से ये नोटिस आया हुआ है, तो क्या इसको 148 ए में ही चैलेंज करेंगे इस पॉइंट को लेके कि आप लोगों ने फेसलेस ना करके इसको 148 ए में? सर 148 आ जाने दो, उसी से फिर चैलेंज करना। अच्छा, अभी के रिप्लाई में फिर अभी मतलब पंकज जी, हाँ जी, 148 जाओ ने इशू किया 29/3/22 को, हाँ, और ये नोटिफिकेशन की डेट भी 29/3/22 है। हाँ, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि गजट पब्लिकेशन होगा, वहां से इसकी डेट इमीडिएटली इफेक्ट हो जाएगा इस नोटिफिकेशन का, तो इसको चैलेंज कर सकते हैं सर? वो 29 आप क्या सेम डेट पर फंस गया सर नोटिस, एक दिन से किस्मत जो है लाले की, तो उसमें मुश्किल देखिए 29 कंप्लीट होने के बाद अगर 30 को नोटिस है तो क्लियर केस है। अब 29 में एक बार गजट कितने बजे नोटिफाई हुआ, इन्होंने कितने बजे ऑर्डर इशू किया, वो सब पे डिपेंड करेगा, तो वो 29 में तो डिपार्टमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा सर। ओके सर, तो पंकज जी अभी ये जो नोटिस आए हैं इसके जवाब में अभी ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस पार्टी का डोनेशन क्यों दिया, ये तो मांगा ही सर उन्होंने। बिल्कुल करना पड़ेगा सर और करना ही चाहिए। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, दिस वाज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव। मेरी एक क्वेरी है कि जैसे एक लिमिट रहती है ना कि इतनी अगर आपकी इनकम रहती है तो जनरली आपका केस असेसमेंट में नहीं उठता है, तो ऐसा कुछ है इधर भी या पॉलिटिकल पार्टी में इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट केस उठा रहे हैं? 5,000 के नोटिस डोनेशन पे भी नोटिस आया है क्योंकि ये अलग केस है, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक्शन हुई है। अच्छा जो, और इनकम कितनी भी हो असेसी की उससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक सवाल ये है कि दैट सेक्शन 139(8)(a) जो अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन है वो कहता है दैट अपडेटेड रिटर्न सेक्शन विल नॉट अप्लाई इफ एनी प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रीकंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द एक्ट इज पेंडिंग। Yes. Now the 148A notice which is being issued. It is just a symbol, it is not a proceeding. 148 issue ho. 148 A diya hai, 7 din ka time hai 148 ke liye. 7 din mein aap agar updated return kar dete hain, to aapko 148 issue nahi hoga, wo drop kar denge. So 148 is the proceeding, 148A is not a proceeding. So, but at the same time, जो section 148 है, इसकी heading है conducting inquiry, providing opportunity before issue of notice under section 148. But this section falls under the same chapter 14, which is procedure for assessment. Agreed. But the intention of law is why they have come out with the 148A and the scheme is that when we give you notice and they also know they are in a lack of infrastructure because there will be lakhs and lakhs of cases. So they have given you an opportunity in between if you file a return yourself with this updated return, if you go through memorandum of budget, so you will find an advisory to this that if you file a return between 148A and 148, then the case will be dropped, there won't be any action. This is a move towards alternative dispute resolution regime by the government. Right, sir. Thank you. Pankaj sir, can income tax officers can ask for
detail about the other income? Absolutely. Other income. They are open to ask anything once the case is reopened. Okay. हेलो संजय जी जी चलो संजय जी आपका क्वेश्चन आपका नंबर हाँ कैन इट इज एडवाइजेबल टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न फॉर FY 21-22 एब्सोल्युटली सो देर वुड बी लेस चांस ऑफ द पेनल्टी इफ अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड देर इज जीरो चांस ऑफ पेनल्टी And the penalty quantum for updating the return is 40%, sir? Assessment year? 21-21 financial year. So 50% is the amount. So that itself is the penalty. It's mandatory to be... Additional 50% additional amount of tax. Okay. So otherwise we can wait any amnesty scheme kind of thing. No, amnesty scheme will apply if your case is pending in appeal. Mm-hmm. For example, if amnesty scheme comes, if there will be a cutoff date. So this updated return itself is an amnesty. If you have time for amnesty updated return, I would advise that you should go for it. Okay. Thank you, sir. Yogeshji. Hello, Namaskar. Yogesh Kumar. हेलो नमस्कार सर हमारे इंस्टीट्यूट को टाइटल मिला है पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग तो जहां भी ऐसे केस लगते हो जहां पर कुछ भी डाउट हो तो लेट अस गो अहेड क्लाइंट को थोड़ा सा मन कड़क करके टैक्स भरने की एडवाइस दे दें और जहां पर ऐसा नहीं है तो वहां तो लड़ाई करना ही हमको सर इसमें यदि हम केस को स्वीकार करते हैं ये मानते हैं कि हमने ये डोनेशन दिया है ये गलती हो गई तो अब इसमें जवाब किस प्रकार से रिस्पॉन्स करें देखिए हमको मानना तो है ही नहीं कि गलती हुई है कहीं भी हमें हर केस में कहना है हमारा जेन्युइन था प्रॉपर था ये झूठ बोल रहा है हमारे हमने डोनेशन चेक से पैसा दिया हमारे पास रसीद आ गई कोई वो नहीं है और उसके बाद भी अगर 148 नोटिस इश्यू हो जाता है तो फिर हम उसमें डिडक्शन को सोमे और डिसअलाउ कर दें कि हमको लिटिगेशन कॉस्ट नहीं पोसा रही बट इसका मतलब ये नहीं कि हमको कहीं भी इस तरीके से अगर किसी ने बोल दिया तो फिर तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की संभावना भी बन जाती है देखिए सर जो पार्टी है वो खुद असेसिंग ऑफिसर से मिलके आ रही है और वो बोल रहे हैं कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो बोल रहा है कि आप डिपॉजिट कर दो और जो वो पेनल्टी है वो माफ कर देंगे आपकी तो अच्छी बात है अगर डायरेक्ट ही कोई मिलके आ गए इतने अगर होशियार हैं आपके क्लाइंट तो उनको जो है उनका भाग्य उनके हाथ तो सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करें जैसे अपन ने अभी करें तो साथ में वो असेसिंग ऑफिसर ही बता देगा सर उनको अगर वो पेनल्टी ड्रॉप करने को तैयार है तो आप उससे सारे ऐसे नहीं है किसी का बड़ा अमाउंट भी है देखिए आपको रिसिप्ट पॉलिटिकल पार्टी से और चेक से आपने पेमेंट किया उसका प्रूफ ये दो चीजें हैं आपकी और उस पार्टी की विचारधारा आपकी विचारधारा से कैसा मिलती है इसकी एक डिटेल राइट अप ये तीन चीजें लगेगी आपको ओके सर थैंक यू सुम मोटो हेलो हाँ जी सुमोटो रिटर्न अगर अपडेट करे तो मैंडेटरी है पेनल्टी वो 50% भरना ही पड़ेगा सर कैन वी आने के बाद 148 ए नोटिस आने के बाद 148 आने के बाद उसके रिस्पांस में अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगाएगा इसका मुझे पूरा विश्वास है अभी तक के डिपार्टमेंट के अनुभव और असेसिंग ऑफिसर के व्यवहार के अनुसार अब कोई बहुत ही अच्छा समय आदमी मिल गया तो बात अलग है पर एओ लेवल पे कभी पेनल्टी छोड़ी हो ये मुश्किल है सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को थोड़ा सा दूसरा सेशन भी है तो क्यूरीज अपन दूसरा एक और सेशन रख लेंगे इन फ्यूचर के लिए एक दो दिन में ही तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टिसिपेशन के लिए अटेंडेंस के लिए ये मोस्ट प्रोबेबली ये मोस्टली क्यूरीज अंकुश जी की लास्ट ले लेते हैं अंकुश जी की लास्ट ले लो एक अंकुश जी सर ये जो 23 पार्टीज की जो लिस्ट है ये पॉलिटिकल पार्टीज की इसके अंदर किसी क्लाइंट ने अगर 2021-22 के अंदर डोनेशन किया है तो क्या उसको भी अभी नोटिस इश्यू हो गए होंगे सर हमारे यहाँ जो है फीफो चलता है जो लास्ट 11 साल 21-22 के नोटिस इश्यू करने के लिए 31 मार्च 2025 तक टाइम है तो वो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे आराम से नोटिस इश्यू करेंगे तो 21-22 को अगर हमें सही कराना है तो या तो हम उसका अपडेटेड आईटीआर फाइल कर देते इसीलिए तो वो लेट इशू करते हैं सर
कि आप सोच लो, समझ लो, सारी चीजें एग्जॉस्ट कर लो, फिर हम नोटिस इश्यू करेंगे आखिरी हथियार के रूप में। अगर हम अपडेटेड आईटीआर फाइल करेंगे और उसमें हम जो डोनेशन है उसको डिसअलाउड करते हैं या वो हम इनकम नहीं दिखाते, तो उसके बाद कितना टैक्स सिर्फ उसी इनकम के ऊपर जो जनरल टैक्स रेट है वो लगेगा या क्या? जी, उसी इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट आपको एप्लीकेबल है प्लस 25% या 50% आप किस समय फाइल कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू पंकज सर, आपने वैल्यूएबल टाइम दिया हमको एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहो, और बहुत सारी क्यूरीज थी जो मेंबर्स की तो आपने सॉर्ट आउट की है, और भविष्य में भी आप ऐसे ही सॉर्ट आउट करते रहें, हमको ज्ञान देते रहें अपना, और मैं थैंक यू कहूँगा सर सभी पार्टिसिपेंट्स का जो अपना रिस्पॉन्स दिया, क्विक रिस्पॉन्स दिया, 350 प्लस मेंबर आज थे ज्वाइन किया था, और विद इन मतलब 2-3 घंटे की मेहनत थी, तो पूरी टीम जो जयपुर ब्रांच की लगी हुई थी, तो एक सफल प्रोग्राम हुआ, वो आपके नेतृत्व में हुआ, अनिल भैया के नेतृत्व में हुआ, तो मैं आज अनिल भैया को धन्यवाद दूंगा, पंकज भैया को नमस्कार दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस शॉर्ट नोटिस पे आए। थैंक यू। अनिल भैया का आदेश मना नहीं कर सकते हमसे। यार पंकज जी, थैंक यू सो मच। और अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारे पास चैट के अंदर एक क्वेरी और आई है कि पंकज सर को बोले फिजिकल सेशन रखना जरूरी है फेस टू फेस का, तो जैसे मैं बैंक ऑडिट से, क्योंकि हमारे पास हमको ये था कि फिजिकल या वेबिनार, तो मेंबर्स का ये था कि बोले सर ज्यादातर लोग बैंक ऑडिट्स पे बाहर हैं, तो एक बार आप तो एक बार थोड़ी देरों बाद एक बार आप वो रख लें, एक बार एक ये जो अभी जो रिप्लाई देना है उसका तो हमें पता लग जाए कि किस डायरेक्शन में जाना है, सो दैट फिर आगे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे नोटिस है, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो पंकज जी से फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक दिन पूरा एक सेशन रखिए, फिर हम पंकज जी को परेशान करेंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा अंकुर जी को भी, क्योंकि आज हमारे चेयरमैन सर अभी ऑडिट पे गए हुए हैं, मैनेजिंग कमेटी बाहर गई हुई है, तो हमने फोन पे कोऑर्डिनेट किया चेयरमैन सर से, अंकुर जी तो रास्ते में ही थे आज हमारे गाड़ी पे थे, बोला भैया कोई बात नहीं मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ स्टाफ से भी, और स्टाफ भी ने भी सब एकदम पूरा बहुत जल्दी जल्दी कर करके बहुत जल्दी आज जो सेशन था, टाइम भी बड़ा कम था कि यार मेंबर्स पे कॉल भी आ रहे सर करना है, तो रियली सबको थैंक यू सो मच, और आगे बिल्कुल हम आपको ऐसे परेशान करते रहेंगे पंकज जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।